तो ये है क्लास टेंथ आई का एरे का सिलेबस यहाँ से ही हम शुरू करते हैं अपने सेशन को दैट सबसे पहले यहाँ पे एरेज का देख लो सिलेबस तुम्हारा क्या क्या है बिकॉज सबसे पहले यही देख लो कि कौन कौन से टॉपिक्स तुम्हें पढ़ने हैं तभी रिलेट कर पाओगे क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं एक एक करके डिस्कस करेंगे ये सारी बातें देखो क्लास टेंथ का सिलेबस है ये और बाकी जितने बच्चे इलेवेंथ में हैं टू डी एर तुम्हारे सिलेबस में भी है सो वन डी एरे का कॉन्सेप्ट और टू डी एर खासकर जो इलेवंथ के बच्चे हैं टू डी एर एस पे ज़्यादा फोकस करें ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं अभी यहां पे देख लो तुम्हारा सिलेबस क्या है टेंथ का है ये ये क्लास टेंथ का सिलेबस है तो यहां पे सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एरे फिर टाइप्स ऑफ एरे फिर डिक्लेरेशन उसका इनिशियलाइजेशन एक्सेप्टिंग डेटा कैसे डेटा को एक्सेप्ट किया जाता है सिंगल डायमेंशन और टू डी यानी कि डबल डायमेंशनल एरेज में ये सारी बात होगी यहां पे फिर उसके बाद कैसे एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाता है वो सबका मतलब उन सारा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा ये सारा कॉन्सेप्ट और प्रोग्राम भी इन सबके ऊपर ही बताएंगे फिर इसके बाद यहाँ पे सिंगल एंड डबल डायमेंशनल एरे के अंदर ये सारी बातें हमें पढ़नी हैं फिर उसके बाद आता है सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर हमें सॉर्टिंग की टेक्निक्स पढ़नी होती हैं और सर्चिंग टेक्निक्स पढ़नी होती हैं सॉर्टिंग टेक्निक्स में दो हैं तुम्हारे कोर्स में एक होता है सिलेक्शन सॉर्ट और एक होता है बबल सॉर्ट फिर उसी तरह सर्चिंग टेक्निक्स में तुम्हारा एक होता है लीनियर सर्च और दूसरा होता है बाइनरी सर्च तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्चिंग और सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं फिर इसके बाद एरे ऐसा कॉम्पोजिट डिट कंपोजिट टाइप लेंथ स्टेटमेंट लेंथ स्टेटमेंट तो आई होप तुम लोगों ने सबने पढ़ा ही होगा अगर एरे के बारे में तुमने पहले से पढ़ रखा है तो और बाकी एरे एज अ कम्पोजिटि डेटा टाइप भी हम यूज़ करते हैं मतलब एरे एक तरह से क्लास है उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ कॉम्पोज डेटा टाइप ठीक है वो कोई प्रमेटिव डेटा टाइप होता नहीं है कलेक्शन ऑफ डेटा होता है तो मतलब एक अलग से हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना रखते हैं उसको तो वही कंपोजिट डेटा टाइप होता है फिर इसके बाद अगला तुम्हारा सॉर्टिंग और सर्चिंग टेक्निक सो तो यहाँ पे सिलेबस अभी मैंने डिस्कस किया था कि टेंथ का सिलेबस इतना है और हमें वन डी एर और टू डी एर के दोनों के बारे में पढ़ना है और वन डी एरे में क्या क्या चीज़ें थी टू डी आर में क्या सारी चीज़ें हमें पढ़नी है वो सब मैंने तुम्हें डिस्कस करा दिया है अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सबसे पहले हम बात करते हैं कि एरे होता क्या है एक्चुअली अच्छा कितने बच्चों को यहाँ पे पता है वॉट इज़ एरे कितने बच्चे पढ़ चुके हो एरे टॉपिक क्लास में तो तुम लोग भी आंसर कर सकते हो सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं अभी आउटपुट क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे सर ड्यूरेशन एक से डेढ़ घंटे का तो रहेगा ही मिनिमम है ना अरे हम लोग लगभग पूरा कवर करेंगे यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स चलो क्लास में अगर पढ़ चुके हो तो एरे का डेफिनेशन बताओ वैसे वो डेफिनेशन यहाँ लिखा ही हुआ है एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ वैल्यूज बट कभी तुम लोगों ने ये सोचा कि ये डेफिनेशन तो सब लोग समझ जाते हो कि एरे क्या होता है एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ वैल्यूज तुम एक जैसी वैल्यूज को कलेक्ट करके इकट्ठा करके रख लो उसका एरे बना दो बट ये बनाते क्यों है मेन क्वेश्चन इज वाई बी यूज एरे एरे का यूज क्या है क्वेश्चन इज यहां क्वेश्चन में लिख रहा हूं इसका आंसर तुम लोग बताओ वॉट इज द यूज ऑफ एरे एरे का यूज क्यों करते हैं यूज क्या है इसका क्यों एरे का इस्तेमाल हम करते हैं हम तो वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं वैल्यूज को स्टोर करने के लिए फिर एरे का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं यस मनोज एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बट इम इनकम्प्लीट डेफिनीशन तुमने दी है ज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट्स मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स का कलेक्शन नहीं होता सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है भी वर्ड होता है ना कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स ये सिमिलर डेटा टाइप्स की वैल्यूज का कलेक्शन होता है बट इसका यूज क्यों करते हैं टू मेक प्रोग्रामिंग ईजियर ये एक तरह से कह सकते हो इन अ सेंस बट कैसे ये प्रोग्रामिंग को ईजियर बनाएगा इसका कॉन्सेप्ट देखो समझ लो बहुत आसान है अच्छा तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं इसका आंसर यहाँ चैट में करो लाइव चैट में तुम्हारी क्लास में साथ में तुम्हें तुम्हारे क्लास में तुम्हारे साथ कितने स्टूडेंट साथ में पढ़ते हैं फिफ्टी सिक्सटी फोर्टी कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ बताओ थर्टी चलो काफी कम बच्चे हैं तुम्हारे क्लास में देखो मान लो थर्टी वन बच्चों को लेके चलते हैं फोर्टी नाइन्टी गजब रौनक के क्लास में नाइन्टी बच्चे पढ़ते हैं मुझे सोच के ही शौक हो रहा है चलो 90 बच्चे मैक्सिमम वाला लेके चलते हैं मान लो अगर 90 बच्चों के मार्क्स अगर मुझे रिकॉर्ड में सेव करने हैं मान लो एक प्रोग्राम मुझे चाहिए कि क्लास के सारे बच्चों के एवरेज मार्क्स में सेव करूं और 90 बच्चे रौनक के क्लास में पढ़ते हैं अभय के क्लास में 50 हैं भारत तुम्हारा नेम मुझे नहीं पता फोर्टी बच्चे ममता के क्लास में फोर्टी बच्चे हर्षित के क्लास में फिफ्टी बच्चे आर्यन फिफ्टी और उसके बाद सेवेंटी थर्टी सुशांत के क्लास में अभी लाइट आ गई सो यहाँ पे इतने इतने बच्चे सबके क्लास में हैं सर 111 बच्चे चलो ठीक है जितने भी बच्चे हैं देखो बेसिकली अगर मान लो मुझे एक प्रोग्राम बनाना हो जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स मुझे अपने प्रोग्राम में सेव रखने हो तो मैं क्या करूँगा एक तरीका क्या है मेथड वन रास्ता नंबर एक क्या है कि मैं हर एक मार्क्स के लिए एक वेरिएबल बना लूँ बैठ के मैं बनाऊँगा आई एन टी एम वन एक बच्चे के मार्क्स आई एन टी एम टू दूसरे बच्चे के मार्क्स एंड करते 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 मुझे इस तरह आई एन टी एम नाइन्टी नाइन अगर नाइन्टी नाइन बच्चे हैं तो इतने वेरिएबल्स बना के सबके मार्क्स सेव कराने पड़ेंगे कितने वेरिएबल बनाने पड़े नाइन्टी नाइन वेरिएबल अच्छा एक और चीज़ अगर मान लो यही चीज़ यही एरे मुझे फेसबुक में यूज़ करना हो फेसबुक की कंपनी अगर मैं ओन करता हूँ मैं मार्क जकरबर्ग अगर हूँ और मुझे सारे सारे बच्चों के नाम सेव रखने हैं अपनी फेसबुक के डेटाबेस में तो वहाँ तो इतने नाम नहीं है वहाँ तो करोड़ों नाम हैं पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं सो so, क्या हम हर एक के नाम को स्टोर करने के लिए एक अलग से वेरिएबल बनाएंगे ऐसे तो फिर प्रोग्राम हमारा बैठ जाएगा सो so, इसी लिए जहां पे हमें बहुत सारी वैल्यूज को एक साथ सेव करना होता है सो so उस जगह पे हम यूज करते हैं एरे की एरे के कॉन्सेप्ट का मतलब एरे को यूज़ कर लेते हैं सो so, यहाँ पे इतने सारे वेरिएबल बनाने से अच्छा हम एक सिंगल वेरिएबल बना लेते हैं जैसे कि मेथड नंबर टू यहाँ पर बताऊंगा मेथड नंबर टू हमारा है हम एक एरे बना ले सिंपल सा मान लो मैंने एक एरे बनाया आई मार्क्स नाम से एरे की खासियत क्या होती है कि एरे के आगे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लग जाते हैं सो so ये हमारा बन गया एरे ठीक है ये हमारा एरे हो गया अब इसके अंदर मैं 99 मार्क्स सेव करा लूंगा मान लो पहला मार्क्स मैंने लिखा कॉमा दूसरा मार्क्स कॉमा तीसरा मार्क्स करते 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 कॉमा कॉमा करके सारे मार्क्स लिख दिए और ये सारे के सारे मार्क्स मेरे एक ही वेरिएबल में सिंगल वेरिएबल के अंदर जाके सेव हो गए ऑल मार्क्स इन सिंगल वेरिएबल तो ये फायदा होता है एरे को लेने का जब तुम्हें बहुत सारी ढेर सारी मल्टीपल वैल्यूज को सेव करना हो आ, अपने प्रोग्राम के अंदर ऑब्वियसली तो यहां पे हम मल्टीपल वेरिएबल्स को बनाने से अच्छा एक सिंगल एरे बना लेते हैं तो ये फायदा होता है एरे को यूज करने का चलो सर एरे इज एरेटिव और नॉन प्रिमेटिव बेटा नॉन प्रिमेटिव होता है प्रिमेटिव डेटा टाइप्स सिर्फ तुम्हें आंटी कैर फ्लूट डबल ये सारे होते हैं और जितने भी उससे ज्यादा क्लास तुम बनाते हो ये सारे कंपोजिट डेटा टाइप्स होते हैं इवन एरे भी तुम्हारा कंपोज़िट डेटा टाइप है स्ट्रिंग भी तुम्हारा कंपोज़िट डेटा टाइप होता है ठीक है चलो सर एक वेरिएबल में स्टोर करने से क्या होगा बेटा उसको एक्सेस करना आसान हो जाएगा ये होता है उसको एक्सेस करना आसान हो जाता है काफी ज्यादा है ना ये फायदा होता है एक वेरिएबल में स्टोर करने का आई होप इतना समझ में आ गया अब एरे का थोड़ा बेसिक्स यहाँ पे जान लेते हैं कैसे एरे को बनाया जाता है देखो कोई भी एरे जब हम बनाते हैं जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम एक एरे बना रहे हैं जैसे मान लो यहां हमने बनाया आई एन टी मार्क्स वाले ही एरे बना लेते हैं मान लो हमारे क्लास में पांच बच्चे पढ़ते हैं वैसे ऐसा होता नहीं है पांच से ज्यादा ही पढ़ रहे होते हैं बच्चे बट मान लो हमने एक मार्क्स नाम का एरे बना लिया और यहाँ पे इसके अंदर हमने पांच बच्चों के मार्क्स इनपुट कर दिए मान लेते हैं यहां पे हमने ले लिया एक के मार्क्स मान लो टेन हैं अगले के मार्क्स मान लो ग्यारह हैं एक के मार्क्स मान लो नाइन ही रह गए हैं एक के मार्क्स मान लो पाँच रह गए हैं एक के मार्क्स बहुत अच्छे हैं एक के मार्क्स ट्वेंटी में ट्वेंटी आ गए हैं सो so ये तुम्हारे मार्क्स का एरे हो गया ठीक है अब यहाँ पे ये एरे मेमोरी के अंदर किस तरह सेव होता है एरे के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दोज आर सेव्ड ऑन कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी सेल्स तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है देखो अगर हम इसको मेमोरी स्ट्रक्चर वाइज बनाएं मेमोरी के स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएं तो एरे के एलिमेंट्स कुछ इस तरह मेमोरी में जाके सेव होते हैं जो टीचर्स तुम्हें बार बार बॉक्सेस वाला डायग्राम बनाते हैं ना वो बेसिकली मेमोरी को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स मान लो मैंने लिख दिए टेन एलेवन नाइन फाइव ट्वेंटी फॉर एग्जाम्पल ही हमने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिए हैं और ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मेमोरी में, में एक के बाद एक सेव हो जाते हैं अब होता क्या है कि अगर हमें मान लो इस एरे में से कोई एक एलिमेंट निकालना हो तो उसका एक तरीका होता है दैट यहाँ पे तुम्हें इंडेक्सेस का यूज करना होता है इंडेक्सेस क्या होते हैं इंडेक्सेस यहां पे लोकेशन के एड्रेसेस होते हैं बेसिकली पूरे एड्रेस नहीं होंगे जैसे मान लो पहला एलिमेंट जो तुम्हारा है इसका इंडेक्स हम बोल देते हैं जीरो है अगेन रेड से नहीं लिखूंगा मैं येलो का यूज करते हैं चलो यहां पे पहला इंडेक्स हमारा जीरो हो गया और फर्स्ट एलिमेंट मतलब सेकेंड एलिमेंट जो यहां पे होगा इसका इंडेक्स हो जाता है वन मतलब इंडेक्सेस जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं तो इसीलिए जीरो फिर वन फिर उसके बाद अगला इंडेक्स टू फिर उसके बाद अगला इंडेक्स थ्री फिर उसके बाद अगला इंडेक्स फोर तो यहां पे अगर हमारा पाँच साइज का एरे है यहां पे एरे का साइज कितना है साइज इज इक्वल टू फाइव और यही इसकी लेंथ भी हम कह सकते हैं कि एरे की हमारी लेंथ कितनी है पाँच लेकिन इसके इंडेक्सेस कहां से कहां तक हैं इसके इंडेक्सेस जा रहे हैं फ्रॉम ज़ीरो टू फाइव माइनस वन यानी कि फोर तो अगर पांच लेंथ का एरे है तो इंडेक्सेस कहां से कहां तक होंगे जीरो से फाइव तक होंगे अगर मान लो तुम्हारे एरे में सौ एलिमेंट्स हैं हंड्रेड साइज का एरे है अगर साइज हंड्रेड है देन इंडेक्सेस विल गो फ्रॉम जीरो टू नाइनटी नाइन हमेशा इंडेक्सेस तुम्हारे साइज से एक कम तक ही जाते हैं सो तो ये तुम्हारे कुछ बेसिक्स हैं एरे के बारे में अगर तुम्हें कोई एलिमेंट इसमें का एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करोगे यहां पे लिखोगे मान लो तुम्हें यहाँ पे एक एलिमेंट निकालना है इसका मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जो मार्क्स वाला एरे है दिस इज दी मार्क्स एरे और मैंने यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन करा कि मैंने लिखा है एसओपी ओ और यहां पे लिख दिया मार्क्स एक्ट वन अब यहां पे बच्चे बताओ यहां पे क्या आउटपुट प्रिंट होके आएगा एसओपी मार्क्स एट और ये हमारा मार्क्स वाला एरे है इलेवन यस करेक्ट फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा इलेवन वाला एलिमेंट प्रेजेंट है सर थैंक यू सो मच शाउट आउट दे दीजिए सर फॉल योर एफर्ट बिग फैन योर मोस्ट वेलकम शिवानी एंड शाउट आउट टू यू चलो उदित अनुष्का सुशांत सब लोग का आंसर सही है इलेवन यहां पे हमारा आंसर आएगा करेक्ट सो so, इंडेक्सेस हमें क्या बताती हैं? इंडेक्सेस हमें पोजीशन बता देती हैं कि हमें एरे का कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है सो so, इंडेक्सेस इसी, इसी चीज में हमारी हेल्प करती हैं। सो so, इसीलिए हम इंडेक्सेस का यूज करते हैं ये यह जो यहाँ पे नीचे लिखी हैं, ये सारी की सारी क्या हैं इंडेक्सेज हैं दीज आर दी इंडेक्सेस ठीक है, है. है? ये इंडेक्सेस हो गई अब यहाँ पे इसी एरे के ऊपर बेस्ड हम एक आउटपुट क्वेश्चन करने वाले हैं देखते हैं कौन बच्चा है यहाँ पे आंसर कर पाता है ये क्वेश्चन है आउटपुट क्वेश्चन चलो इसका आंसर करो यहाँ पे क्वेश्चन है गिवन दैट आई एन टी बी इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा एरे है टू सिक्सटी सिक्स सेवेंटी सिक्स ट्वेंटी थ्री सेवेंटी एट नाइन्टी सिक्स एंड यहाँ पे हमें क्या बताना है गिव द सबस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का मतलब सिंपल क्या है यहाँ पे तुमसे इंडेक्स पूछ रहा है सबस्क्रिप्ट का मतलब बेसिकली इंडेक्स है चलो बताओ यहां पे 76 का और 78 का इंडेक्स क्या होगा इलेवेंथ वाले गए यहां से चलो मैं तो इलेवेंथ में हूं इतना बेसिक पढ़ के क्या करूं चलो थोड़ी देर के बाद आप ना आधे घंटे के बाद आ जाओ ना तब यहाँ पे 2D डी चालू हो जाएगा टू एंड फोर सेवेंटी का यहाँ पे इंडेक्स कितना है टू इंडेक्सेस मैं यहां पे लिख देता हूं वैसे तो सब, सब बच्चे अब सही बता रहे हैं जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव पांच इंडेक्सेस यहाँ पे होंगे जीरो टू फाइव तक और यहाँ पे सेवेंटी सिक्स का इंडेक्स हो जाएगा टू सेवेंटी एट का हो जाएगा फोर सो टू और फोर आएगा तो so, सब बच्चे यहाँ पे सही आंसर कर रहे हैं सुशांत माई ओरियो एक नहीं आएगा यहाँ पे टू और फोर दो इंडेक्सेस होंगे रौनक राज तुम्हारा भी सही है चारवी एकदम सही राजीव आर्यन उदित सब बच्चों का सही है लावण्या एकदम सही सो so, यहाँ पे हमारे इंडेक्सेस ये आ जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आउटपुट क्वेश्चन में ठीक है चलो इसके बाद एक और आउटपुट क्वेश्चन है इसको करते हैं सो so, यहाँ पे है वॉट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड यहाँ पे दो एरे हमारे सामने हैं एक एक्स वाला एरे है और एक वाई वाला एरे है फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दिया गया है एक्स इज इक्वल टू वाई ठीक है उसके बाद में यहाँ पे पूछा गया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और स्लैश एन तो ये तो तुम्हारा होता है फॉर न्यू लाइन ये न्यू लाइन कैरेक्टर है ये लाइन चेंज करने के लिए है न्यू लाइन और उसके बाद में x एट पोजिशन टू इज इक्वल टू आगे है x एट टू और उसके बाद फिर स्लैश लाइन चेंज होगा फिर आगे है वाई टू इज इक्वल टू वाई एट टू तो यहाँ पे क्या आउटपुट में आएगा सोच के बताओ देखते हैं कौन बच्चा सही आंसर करता है सुशांत सेवनटी सिक्स एट्टी फोर इसका बताओ इस वाले क्वेश्चन का देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है एक्स और वाई दो अलग अलग आ रहे हैं ये मेन यहाँ पे ट्विस्ट है एक्स इज इक्वल टू वाई जो लिखा गया है ना ये काफी चीजें यहां चेंज कर रहा है। तो यही सोचो क्या यहां पे प्रिंट होगा टू एंड फोर ओके चलो देखते हैं देखो यहां पे बेसिकली वो क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास दो एरे हैं एक x और y यहां पे वो क्या रहा है x is equal to y लिखने के बाद जो x में एरे था वो चेंज हो जाएगा x की वैल्यू बदल जाएगी इस लाइन के बाद में अब x का भी वैल्यू क्या हो जाएगा नाउ x विल बी इक्वल टू 6 9 4 8 ऐसा क्यों बिकॉज़ यहां पे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है दैट x is equal to y x में y वाला एरे जाके सेव हो जाएगा सिंपल तो यहाँ पे एक्स के अंदर भी ये सारे वैल्यूज आ गए अब यहाँ पे क्या प्रिंट होना है देखो स्लैश इन पहले लिख के आएगा एक्स एट टू तो यहाँ पे प्रिंट कैसे होगा आउटपुट समझना ध्यान से यहाँ पे आउटपुट होगा हमारा पहले लिख के आएगा प्रॉपर एक्स एट टू क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है जितनी भी चीजें डबल कोट्स के अंदर होती हैं वो एज इट इज प्रिंट होती हैं तो so, यहाँ पे प्रिंट होके आएगा एक्स एट टू इज इक्वल टू और उसके बाद फिर एक्स टू का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा अब जरा यहां पे ऊपर पे ध्यान यहाँ ऊपर ध्यान दो दैट x के अंदर तो y का एरे जा चुका है x की वैल्यू क्या हो गई है अब ये वाली वैल्यू हो गई है तो so यहां पर एक्स टू क्या है जीरो वन टू क्या है फोर है यहाँ पे तो यहां लिख के आ जाएगा फोर ठीक है फिर उसके बाद अगली लाइन पे यहाँ पे क्या प्रिंट होके आएगा सिस्टम डॉट प्रिंट एल इन स्लैश इन वाई एट टू यहां पे डबल कोट्स के अंदर वाई एट टू लिखा है तो ये एक्जैक्टली ऐसे ही प्रिंट होगा वाई एट टू इज़ इक्वल टू और उसके बाद प्लस वाई एट टू का वैल्यू प्रिंट होगा यहां जो आगे ये लिखा है इसका वैल्यू प्रिंट होगा तो यहां पर में, में भी फोर तो प्रिंट तो हो जाएगा सो फोर फोर दो वैल्यू प्रिंट होंगे और दोनों अलग अलग लाइन पे प्रिंट होंगे ठीक है तो अलग अलग लाइन पे फोर और फोर प्रिंट हो जाएंगे बेटा चार बार फोर नहीं प्रिंट होगा शान है ना चार बार फोर नहीं प्रिंट होगा यहां पे एक चीज याद रखो जितनी भी चीजें डबल कोट्स में होती हैं जितनी भी चीजें डबल कोट्स में होती हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाती हैं उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता वो एज इट इज जो डबल कोट्स के बीच लिखा होगा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा सीधा सीधा सो एक्स एट टू एज इट इज प्रिंट होगा आउटपुट में वाई एट टू एज इट इज प्रिंट होगा आउटपुट में बस ये चीज जो यहां पे एक्स एट टू लिखी है इसका वैल्यू प्रिंट होगा और इस वाई एट टू का वैल्यू प्रिंट होगा इतना तुमको ध्यान रखना है आई होप ये चीज समझ में आई होगी किसी को ना समझ में आई हो तो चैट में लिख के बता दो मैं दोबारा समझा सकता हूँ बट आई होप समझ में आ गया होगा वैसे तो स्लैश इन का मतलब स्लैश इन बेटा न्यू लाइन कैरेक्टर होता है ये तुम्हारा एस्केप सीक्वेंस है ये जो स्लैश इन है ना ये एक एस्केप सीक्वेंस है एस्केप सीक्वेंस एंड ये करता क्या है ये तुम्हारा न्यू लाइन क्रिएट करता है न्यू लाइन मतलब कि जो प्रिंट है उसको अगली लाइन पे भेज दो ठीक है तो स्लैश इन का मतलब नेक्स्ट लाइन से अगली लाइन से प्रिंट करना स्टार्ट करो पहले अगली लाइन पे आओ फिर एक्स टू लिखो फिर एक्सएट टू का वैल्यू लिखो फिर अगली लाइन पे आओ स्लैश इन की वजह से फिर वाई एट टू लिखो और वाई एट टू का वैल्यू प्रिंट करो ये यहां पे करता है सर इंडिया का नेम चेंज होने वाला है सुना मैंने चेंज नहीं होने वाला है एक्चुअली भारत तो पहले से ही हम उसको बोलते हैं इंडिया दैट इज भारत लिखा भी हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो तुम चाहे इंडिया बोलो चाहे भारत बोलो एक ही बात है है ना इंडिया इंग्लिश में हम बोलते हैं हिंदी में भारत बोलते हैं एक ही चीज़ है सर सबसे पहले भी तो लाइन चेंज होगी हाँ लाइन चेंज होगी सबसे पहले भी चेंज होगी तो अगर तुम्हें और ज्यादा एक्यूरेटली एक्यूरेट यहां पे आउटपुट चाहिए तो इस आउटपुट को मैं हटा देता हूँ एक लाइन यहां पे स्किप होगी पहली है ना सबसे पहली लाइन पे भी एक स्पेस आएगा यहां भी एक स्पेस आएगा प्रिंटिंग एक लाइन छोड़ के स्टार्ट होगी एक लाइन तुम्हारी ब्लैंक जाएगी मान लो अगर लाइन तुम्हारी ऐसे हैं एक लाइन दो लाइन तीन लाइन चार लाइन तो फर्स्ट लाइन विल बी ब्लैंक पहली लाइन तुम्हारी ब्लैंक जाएगी उसके बाद अगली लाइन पे प्रिंट होगा ये चीज यहां पे होगी आई होप समझ में आ गई होगी ये चीज अभी तो है ना पहली लाइन पे भी ब्लैंक होगा फिर अगली लाइन पे हम प्रिंट करेंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे वहां पे प्रिंट कर देंगे इसको आई होप समझ में आ गई होगी इतनी चीज अब बढ़ते हैं हम लोग अगले आउटपुट क्वेश्चन की तरफ माई यूर जय श्री राम बेटा हेलो सर आई एम इन क्लास इलेवेंथ राइट नाउ यू हेल्प मी आर लॉर्ड ड्यूरिंग माई क्लास टेन बोर्ड एग्जाम्स चलो यू आर मोस्ट वेलकम कितने मार्क्स आए आपके बताना सर स्ट्रिंग का रिविजन करते हैं आज तो एरे कर लेते हैं स्ट्रिंग का रिविजन अगली बार कर लेंगे चलो इस वाले क्वेश्चन को अभी करते हैं यहां पे है वॉट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड यहां पे एक एरे बनाया गया है अच्छा एरे में एक चीज मैं बता देता हूं तुम लोग को जावा में जब भी हम एरे बनाते हैं तो जावा में एरे को दो तरह से बनाया जाता है देखो या तो तुम लिख दो इस तरह आई एन टी ए ठीक है इस तरह भी एरे बना सकते हो दूसरा तरीका क्या होता है तुम ऐसे भी लिख सकते हो आई एन टी के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और ए लिख दो ये भी सही है ये भी सही है एरे दोनों तरीकों से बन जाता है ठीक है इतना तुम लोग याद रखना तो यहाँ पे क्या है एक एरे ए तुम्हारा ए आर नाम का है और उसके अंदर इतने सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे क्या प्रिंट करना है ए आर डॉट लेंथ डॉट लेंथ क्या करता है लेंथ बता देता है कितने तुम्हारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इसमें तो गिन लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन दस एलिमेंट्स हैं तो साइज कितना प्रिंट होकर आएगा टेन प्रिंट हो गया आएगा, आएगा एकदम सही आर एन आर्यन एन पटेल तुम्हारा आंसर एकदम सही है एंड चार बी अभ सब बच्चों का सही आंसर है हरिओम अमृता यस टेन आए टेन यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा अनुष्का लावण्य एकदम सही सर कन्वेक्शनल रिसोर्सेज वाला वीडियो कब आएगा जल्दी ही आएगा जोग्राफी की बात कर रहे हो ना पोस्ट कर दूंगा मैं जल्दी बना के सर केमिस्ट्री की वीडियो डालो क्लास इलेवेंथ की केमिस्ट्री uh, में बेटा आप टॉपिक बता दो बिकॉज वैसे तो वो काफी ज्यादा वास्ट सिलेबस है, है मैं सारे चैप्टर्स नहीं कवर करवा पाऊंगा बट हाँ कोई चैप्टर कर तुम्हें बहुत ज्यादा टफ लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है एकदम जिसमें ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होगी मैं वो चैप्टर्स कवर करा दूंगा बिकॉज सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स बना पाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है अगर तुम बता दोगे हाँ कि हाँ सर इस स्पेसिफिक चैप्टर में हमें प्रॉब्लम है तो उस चैप्टर का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा इतना गारंटी है सब पाइथन कब स्टार्ट होगा बेटा पाइथन का स्टार्टिंग मैंने इनिशियल वीडियो तो बना दिया था सारे टॉपिक्स भी उसमें समझा दिए थे पाइथन फ्रॉम जीरो टू एडवांस मतलब सारे बेसिक्स मैंने क्लियर कर दिए थे वहाँ पे अब इसके बाद एडवांस हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे पाइथन की जल्दी ही चलो अब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन कुछ, पे यहाँ पे तो आउटपुट हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे आउटपुट विल बी है चलो नेक्स्ट अभी देखते हैं आउटपुट क्वेश्चन ये वाला करते हैं फिर इसके बाद प्रोग्रामिंग भी अभी डिस्कस करूंगा मैं इसकी इस वाले आउटपुट के बाद ये वाला आउटपुट पहले कर लो फिर उसके बाद प्रोग्राम पे आते हैं चलो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड यहाँ पे एक एरे लिया गया है और एरे में तुम्हारे एलिमेंट ये सारे हैं टू फाइव एट नाइन वन सिक्स फोर नाइन थ्री फाइव और यहाँ पे हमें प्रिंट करना है सिस्टम जो आउटबुट प्रिंट एलिन ए आर थ्री प्लस फोर तो यहाँ पे बेसिकली क्या प्रिंट करना है ए आर एट थ्री प्लस फोर हो जाएगा सेवन फिर अगली लाइन पे यहाँ पे प्रिंट करना है ए आर एट थ्री प्लस वन ये हो जाएगा फोर और फिर लास्ट में ए आर एट फाइव माइनस थ्री हो जाएगा टू तो बस जल्दी जल्दी बता दो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा इंडेक्सेस मैं लिख देता हूँ जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन इंडेक्सेस बता दिए सब बता दिया अब बताओ यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा तीनों आउटपुट एक साथ यहाँ पे चैट में लिख के बताओ क्या आएगा यहाँ पे सर बोर्ड में एरे का प्रोग्राम कठिन आता है इतना भी टफ नहीं आता है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आराम से कर लोगे बेटा सर यू चूज विच स्ट्रीम मैंने बेटा चूज किया था पी सी एम विथ कंप्यूटर्स पहले ए आर सेवन है ए आर सेवन आ जाएगा नाइन पहला आउटपुट आर फोर फोर्थ इंडेक्स पे तुम्हारा वन है फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट टू तुम्हारा है टू इंडेक्स पे एट सो नाइन वन एट एकदम सही उदित राज अभय हरिओम अनुष्का शान जयंता अमृता सब बच्चों का आंसर सही है हर्षित लावण्य एकदम सही नाइन वन और एट अलग अलग लाइन पे प्रिंट होगा बिकॉज यहाँ पे एल है चलो ठीक है उतना तो मैं समझ सकता हूँ चैट में नहीं हो सकता वो तो यहाँ पे एल है क्योंकि ये तो इसी वजह से यहाँ पे हम अलग अलग लाइन्स पे इनको प्रिंट करेंगे सो यही आ जाएगा हमारा आउटपुट So, यहां पे हमारा आउटपुट ये हो गया आई होप समझ में आ गया हो गए चलो इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग के साथ सो so, प्रोग्रामिंग पे आने से पहले एक हम चीज बात कर लेते हैं एक चीज की दैट एरे के अंदर एलिमेंट्स को कैसे हम सेव कराते हैं इनपुट कराते हैं फ्रॉम द यूजर ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बेसिक अगर तुम समझ जाते हो तो एरे का कोई भी प्रोग्राम तुमको टफ नहीं लगेगा ठीक है चलो अब देखो एरे में वैल्यूज लेने के दो तरीके होते हैं एरे में वैल्यूज सेव करने के मैं हिंदी में लिख रहा हूं ताकि तुम लोग को अच्छे समझ में आ जाए दो मेथड्स होते हैं ठीक है एक मेथड तुम्हारा होता है फर्स्ट मेथड इज देखो पहले से वैल्यूज तुम ले लो ठीक है असाइन कर दो वैल्यूज फर्स्ट मेथड इज असाइन दैल्यूज डायरेक्टली असाइन दी वैल्यूज डायरेक्टली तो डायरेक्टली करने का तरीका क्या होता है अभी मैंने तुम्हें बताया था डायरेक्टली अगर तुमको एरे के अंदर वैल्यू देनी हो तो हमने कैसे दिया था मैंने लिखा था आंटी इंटीजियर टाइप का एरे बना लिया मान लो मार्क्स के लिए यहाँ पे एम नाम का एरे बना लेते हैं और इसके अंदर डायरेक्टली वैल्यू देना स्टार्ट कर दो कल ही ब्रैकेट ओपन करो वन कौमा टू कॉमा फाइव कौमा टेन कॉमा है यहाँ पे माइनस में तुम्हें देना है किसी के बच्चे के मार्क्स में माइनस में हो गए तो ये माइनस में भी दे सकते हो तो इस तरह तुम डायरेक्टली वैल्यूज एंटर कर सकते हो एरे के अंदर लेकिन जनरली प्रोग्राम्स में तुम्हें ये नहीं करना होगा जनरली क्वेश्चन कैसे आएगा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट फाइव वैल्यूज टेन वैल्यूज इंटू एन एरे सो अगला तरीका होता है इनपुट कराने का इनपुट द वैल्यूज इंटू एन एरे तो इनपुट कैसे कराएंगे सवाल ये आता है इनपुट द वैल्यूज इंटू एरे क्वेश्चन so ऐसे ही आएंगे एरे में वैल्यू इनपुट कराने वाले ये मेथड ज्यादा तुम यूज कर रहे होगे पे डायरेक्टली वैल्यू देने वाला काम नहीं होगा सो so यहाँ पे कैसे वैल्यूज को इनपुट कराते हैं देखो समझ लो ये ध्यान से एरे के अंदर जब भी तुम्हें वैल्यूज को इनपुट कराना होगा तो दो काम तुम्हें करने होंगे सबसे पहला काम एरे को डिक्लेयर करो फर्स्ट इज डिक्लेयर एरे दिक्लियर करने का क्या होगा डिक्लेयर करने का तरीका कैसे होगा यहां पे लिखोगे आई ठीक है फिर उसके बाद एरे का नाम जैसे मान लो मार्क्स वाले एरे मुझे बनाना है यहां पे हो जाएगा एम उसके बाद यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज किया इज इक्वल टू यहां लिखा न्यू और उसके बाद में फिर से लिखा आई जिस टाइप का एरे बना रहे हो फिर से वही टाइप लिखोगे और उसके बाद यहां पे मैंशन कर दोगे इसका साइज तो ये होता है डिक्लेयर करने का तरीका वी आर डिक्लेयरिंग द एरे अब ये वैल्यू इसमें इनपुट नहीं करा रहे हैं बस एरे हमने ब्लैंक बना लिया है फिर इसके बाद इसके अंदर यूजर से वैल्यू इनपुट करा लो नेक्स्ट Input the values. Input the values from the user. From the user. अब इस खाली एरे के अंदर हम values को input करा लेंगे अब values को input कराने के लिए हमेशा हमें loop का use करना पड़ता है To input the values. To input the values into an array. अच्छा ये सारे नोट्स में इसीलिए लिख रहा हूँ बिकॉज ये पूरा पीडीएफ में तुम्हें सेशन के एंड के बाद प्रोवाइड कर दूंगा टू इनपुट द वैल्यूज into the द एरे to इनपुट the वैल्यूज into the array एरे वी यूज लूप ये चीज याद रखना हमेशा जब भी तुम्हें एरे के अंदर वैल्यूज को इनपुट कराना है तुम्हें लूप का यूज करना पड़ेगा अच्छा लूप का यूज क्यों करना पड़ेगा इसलिए यूज करना पड़ेगा बिकॉज एरे के अंदर एक वैल्यू तो होता नहीं है एरे के अंदर होते हैं बहुत सारे वैल्यूज येस हरिओम डाउट अच्छा नहीं हर्षित यस बेटा आप डाउट पूछ सकते हो चैट में मैं पढ़ लूंगा सर साइज में एल या एल माइनस वन साइज एल होता है तो इंडेक्सेज एल माइनस वन तक चलते हैं ठीक है चल यहां पे वैल्यूज को इनपुट कराने के लिए हमेशा लूप का इस्तेमाल करोगे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूं तुम्हें मान लो तुम्हें दस वैल्यू अगर अपने एरे के अंदर इनपुट कराने हैं एक एग्जाम्पल देता हूं फिर उसके बाद बना के तुम्हें दिखाऊंगा एग्जाम्पल मान लो तुम्हें दस वैल्यू यूजर से इनपुट कराने हैं फॉर एग्जाम्पल इनपुट टेन वैल्यूज इन टू एरे अगर यूजर से तुम्हें टेन वैल्यू इनपुट करानी है एरे में तो कैसे इनपुट कराओगे देखो इनपुट कराने के लिए स्कैनर का ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा तो सबसे पहले यहां पे मैं लिख देता हूं स्कैनर एस सी स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर तो सबसे पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया फिर उसके बाद में यूजर को एक हम यहां पे प्रॉम्प्ट देंगे ताकि वैल्यूज इनपुट कर सके वो सो यहां पे लिखेंगे एस पी इनपुट टेन वैल्यूज ये तरीका होगा इनपुट कराने का जिस भी प्रोग्राम में तुमसे कहेगा इनपुट कराओ तो तुम्हें इतना काम करना पड़ेगा वहां पे फिर इसके बाद अब एरे में एक वैल्यू तो है नहीं मैंने बताया तो यहां पे इनपुट कराने के लिए लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा लिखोगे लूप फॉर फॉर लूप का ही इस्तेमाल करते हैं हम दस वैल्यू इनपुट कराने के लिए ऐसे करोगे यहां पर लिखोगे आई इंट आई इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करेंगे कभी भी वन से मत स्टार्ट करना यहां पर लूप को बिकॉज इंडेक्सेस जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं तो लूप का स्टार्टिंग वाला वैल्यू भी हम जीरो ले लेंगे तो ये हो जाएगा आई एन टी आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन यहां पे हो जाएगा जो भी तुम्हारा एरे तुम बना रहे हो यहाँ पे एरे अच्छा हमने नहीं बनाया एरे भी बना लेना चाहिए था रुक इसको मैं नीचे शिफ्ट कर दू तब एक एरे बनाता हूं यहाँ पे हम एरे पहले से डिक्लेयर कर लेंगे तो एरे डिक्लेयर नहीं किया था हमने मान लो हमें मार्क्स वाला ही एरे लेना है या टेन वैल्यूज तुम्हें लेनी है दूसरे नाम का एरे ले सकते हो यहाँ पे ले लो आई एन टी ए नाम का एरे लेते हैं इस बार ये हो जाएगा आई एन टी ए ज इक्वल टू न्यू आई एन टी इस तरह एरे बनाएंगे और यहां पे हमें क्योंकि टेन वैल्यूज को इनपुट कराना है तो यहां साइज दे देंगे टेन का ठीक है अगर मान लो बीस वैल्यू करानी होती तो ट्वेंटी साइज दे देते पांच ही वैल्यूज एंटर करने के लिए कहते तो फाइव तो यहां पे साइज दे देते जो भी होगा यहां पे हम उतना साइज दे देंगे फिर उसके बाद यहां पे हो जाएगा साइज तुम्हारा टेन का है तो यहां पे तुम चाहे तो डायरेक्टली टेन लिख सकते हो एक तरीका ये है दूसरा तरीका ये भी हो सकता है दैट यहां पर तुम एक स्टेटमेंट लिख दो मतलब एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के तुम यहाँ पे लेंथ को निकाल सकते हो लिख सकते हो ए डॉट लेंथ एंड मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा यहाँ डायरेक्टली नंबर लिखने की जगह ए डॉट लेंथ लिखा करो आदत डाल लो ताकि आदत बनी रहे बिकॉज जगह जगह पे जब इस तरह तुम यूज़ करोगे ना तो कभी मान लो तुम्हें लेंथ चेंज करनी हुई तो सिर्फ तुम यहाँ ओरिजिनल वाली इस जगह पे तुम साइज को चेंज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे साइज चेंज ले लेगा सो so इस तरह लिखा करो और यहाँ पे लेंथ में ब्रैकेट मत लगा देना कली uh, मतलब ब्राउंड वाला ओपन क्लोज बिकॉज यहाँ पे ये यह एरे वाला लेंथ है एरे के लेंथ में यहाँ पे ये यह फंक्शन नहीं होता ये वेरिएबल होता है तो ए डॉट लेंथ लिखा फिर आगे आई प्लस प्लस इतना हो गया फिर उसके बाद एरे के अंदर वैल्यूज इनपुट करानी है लूप के अंदर लिख दो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ लिखोगे का मतलब इंडेक्सेस बदलते जाएंगे एरे के अलग अलग इंडेक्सेस में तुम्हारे वैल्यूज चाहते जाएंगे यहां पे बस लिख दो एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी ये तुम्हारे हो गए वैल्यूज इनपुट टेन वैल्यूज इनपुट हो जाएंगे तुम्हारा काम हो जाएगा ठीक है सो आई होप इनपुट करने का तरीका समझ गए होगे अब यही सेम चीज जब भी तुम्हें प्रिंट करना है तब भी यही काम करोगे सेम फॉर प्रिंटिंग ठीक है सेम फॉर प्रिंटिंग जब भी तुम्हें प्रिंट करना होगा वहां भी लूप चलाओगे सो एक चीज मैं यहां लिख देता हूं ताकि जब भी नोट्स पढ़ोगे तो तुम्हें काम आएगा अगर तुम्हें प्रिंट करना है सिमिलरली ये समझ लो ये चीज सिमिलरली टू एक्सेस एनी वैल्यू और प्रिंट दी वैल्यूज ज यूज एरे तो यहां पर हम हमेशा लूप का इस्तेमाल करेंगे विद एरे ठीक है ये बात याद रखता हूं अच्छा अगर यहाँ पे एक डायमेंशनल वाला एरे है तो एक लूप का इस्तेमाल होता है अभी मैं टू डी एरे बताऊंगा तो वहां पे हमेशा दो दो लूप इस्तेमाल होंगे तो ये भी मैं अभी आगे समझाऊंगा आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी अब इसके बाद एक प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं सिंपल सा दैट क्वेश्चन नंबर वन ये हम बनाएंगे वैप और तुम लोग बताना कि तुम लोग ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे तो उसी हिसाब से मैं यहां पे टाइम लूंगा इसको बनाने में दैट राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टेन वैल्यूज या वैल टेन मार्क्स ले लेते हैं चलो टेन मार्क्स एंड फाइंड द एवरेज चलो ये क्वेश्चन है बताओ ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे सब लोग कि नहीं नहीं कर पाओगे तो मैं ये बनवा के पूरा दिखा दूंगा कैसे बनाना है इसमें सर क्लास ट्वेल्थ में टू डी एरेज आता है क्या यस क्लास ट्वेल्थ में टू डी एरेज पूछा जाता है यस सर हो जाएगा आगे चलिए चलो ठीक है आगे चलते हैं यस चलो ठीक है अगर ये हो जाएगा तो फिर इसमें टाइम नहीं लगाते हैं आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू यहीं पे मैं लिखता हूँ ये वाला बताना क्वेश्चन नंबर टू दैट वैप टू इनपुट टेन वैल्यूज या टेन हाँ चलो वैल्यूज एंड फाइंड इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर टू है ये पूछ सकता है एंड फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ये क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं ये वाला बताओ क्वेश्चन नंबर टू हाँ सर चलो ठीक है और बच्चे बताओ क्वेश्चन नंबर टू कर पाओगे कि नहीं क्वेश्चन नंबर टू लेवल जो है ये वाला लेवल पूछा जा सकता है एग्जाम में ठीक है इतना लेवल पूछा जा सकता है यस yes, सर ये भी आता है चलो आता है तो बहुत अच्छी बात है सब बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए सबको ये सारे प्रोग्राम आते हैं रौनक को नहीं आता अनुष्का को नहीं आता चलो ठीक है दो बच्चों को नहीं आता है तो जल्दी से मैं इसको बता देता हूँ कैसे करना है ये देख लो देखो हमें क्या करना है एक प्रोग्राम में टेन वैल्यूज को यूजर से इनपुट कराना है देन वी हैव टू फाइंड फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू वैल्यू सेम इसी तरह स्मॉलेस्ट करने का भी होता है मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तुम्हें कि पूरे एरे में मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है और पूरे एरे में मिनिमम वैल्यू कौन सा है कभी कभी ये भी पूछ लेता है सो so, ये वाला प्रोग्राम मैं जल्दी से बता देता हूँ फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं सो so, यहाँ पे प्रोग्रामिंग विंडो ओपन कर लेता हूँ मैं जल्दी से एंड इसको बनाते हैं बस एक मिनट दो एक यहाँ पे मैं क्लास बना लेता हूँ एरे क्वेश्चन नंबर था तो तो एरे दे देते दे हैं हैं इसका नाम तो यहाँ पे यहाँ पे प्रोग्राम को हम हम बनाएंगे एंड देखते कैसे इसको बनाना है जितने बच्चों को प्रॉब्लम आती है देख लो कैसे बनाना होता है प्रोग्राम यहाँ पे सबसे पहले क्लास बनाओगे इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा देन इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे हमें बनाना है अपना मेन फंक्शन कई बच्चों का सवाल होता है कि सर मेन फंक्शन बनाए बिना भी प्रोग्राम बना सकते हैं कि नहीं तो कोशिश करो बेटा कि मेन फंक्शन भी बनाया करो बिकॉज इलेवन ट में मेन फंक्शन बनाना कंपलसरी होता है टेंथ क्लास में तुम्हारे पास रियायत है कि मेन फंक्शन बनाए बिना भी कोई दूसरे फंक्शन के अंदर तुम प्रोग्राम लिख सकते हो सिर्फ वर्ड मेन लिख के तुम काम चला सकते हो लेकिन इलेवेंथ और ट्वेल्थ क्लास में आने के बाद तुम्हें ये मेन फंक्शन पूरा पूरा ऐसे एज इट इज बनाना होगा ठीक है सर उन्होंने फर्स्ट को नहीं बोला था शायद अच्छा फर्स्ट वाले प्रोग्राम को फर्स्ट तो काफी इजी था वैप टू इनपुट टेन मार्क्स ओके चलो मैं दोनों बता दूंगा कोई दिक्कत नहीं है वैप टू इनपुट टेन वैल्यूज एंड फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू पहले मैं सेकेंड वाला बता देता हूँ फिर तो उसके बाद फर्स्ट वाला बताऊंगा देखो सेकेंड वाले प्रोग्राम में क्या करना है वी हैव टू इनपुट बी वैल्यूज तो इनपुट टेन वैल्यूज कराने के लिए तरीका क्या होगा सबसे पहला काम मैं लिख देता हूं यहां कमेंट इनपुट टेन वैल्यूज तो इनपुट कराने के लिए सबसे पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे लिखा स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर बन गया स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया सिस्टम डॉट इन पैरामीटर ये हमारा हो गया स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार स्कैनर क्लास का यूज़ कर रहे हैं तो इसीलिए स्कैनर क्लास को देखो ऊपर हमने इंपोर्ट भी करा लिया है बिकॉज जब भी हम किसी एक्सटर्नल क्लास का यूज़ करते हैं तो उसको इंपोर्ट कराते हैं पहले फिर उसके बाद यूजर को एक मैसेज जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटेल एंटर टेन वैल्यूज तो यहाँ यूजर से हम कहेंगे कि दस वैल्यूज यहाँ दस नंबर इनपुट करो फिर उसके बाद लूप यहाँ पे एरे बना लो पहले एरे तुम्हारा हो जाएगा आई एन टी ए नाम का एरे बनाते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज इज इक्वल टू न्यू आई एन टी और उसके बाद में इसका साइज़ टेन दे देंगे बिकॉज यहाँ पे हमें टेन नंबर्स को इनपुट कराना है फिर उसके बाद इनपुट कराने का तरीका क्या होगा लूप चलाओगे फॉर आई एन टी आई इज़ इक्वल टू जीरो आई लेस देन साइज कितना है टेन तुम डायरेक्टली टेन लिख सकते हो बट मैंने जैसा बताया वो यूज़ करो ए डॉट लेंथ लिखो यहाँ पे ए डॉट लेंथ से अपने आप टेन ले ले गए और कॉमा आ यहाँ पे हो जाएगा आई प्लस प्लस फिर उसके बाद में यहाँ पे हमें फॉर लूप के अंदर वैल्यू को इनपुट कराना है इनपुट कराने का स्टेटमेंट क्या होगा ए आट आई इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी अच्छा यहाँ पे एक और काम भी तुम कर सकते हो देखो मैंने यहाँ पे फॉर लूप के बाद ब्रैकेट लगाया है अगर तुम्हारा मन ना हो तुम ब्रैकेट हटा भी सकते हो बिकॉज यहाँ पे फॉर लूप के बाद एक ही स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट के बिना भी तुम ये काम कर सकते हो ठीक है अब यहां पे इनपुट हो गया नाउ वी हैव टू फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू इन द एरे तो मैक्सिमम फाइंड करने का तरीका क्या होता है देखो समझना ध्यान से यहां पे हम क्या करते हैं तरीका इस कि मैक्सिमम फाइंड करने का यहां कॉमेंट में दे देता हूं फाइंडिंग मैक्सिमम वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का तरीका ये है दैट सबसे पहले एलिमेंट को तुम एक वेरिएबल में मान लो कि वो मैक्सिमम है यहां पे ले लेते हैं आई मैक्स और इसके अंदर हम मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो हमारे एरे का है वो मैक्सिमम है तो ये हो जाएगा ए एट जीरो हमने अज्यूम कर लिया ये क्यों मान रहे हैं अज्यूम फर्स्ट वैल्यू टू बी मैक्स तो पहली वैल्यू को हम मैक्स मान लेते हैं अपनी तरफ से सर आपने इसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं किया कर तो दिया बेटा ये आई a ए इज इक्वल टू न्यू इसको ऊपर करना है मैं ऊपर कर देता हूं अगर इसमें मैंने ऊपर बताया था तो ऊपर बताया था चलो कोई बात नहीं मैं ऊपर बता देता हूँ ये जो आई एन टी है यही तुम्हारा डिक्लेरेशन है एरे का इसको ऊपर कर लो यहाँ पे एस सी के ऊपर करना है यहाँ कर दो देखो एरे का डिक्लेरेशन तुम यहाँ पे भी कर सकते हो बस ध्यान रखना एरे का डिक्लेरेशन हमेशा इनपुट करने से पहले ही कर देना तो ये तुम्हारा है एरे का डिक्लेरेशन एरे डिक्लेरेशन ठीक है कॉमेंट भी मैंने दे दिया ताकि तुम लोग को क्लियर हो जाए ये तुम्हारा एरे का डिक्लेरेशन है एरे का डिक्लेरेशन हुआ फिर उसके बाद यहाँ पे एक लूप चला है और सारी वैल्यू को एक एक करके फटाफट इनपुट करा लिया फिर उसके बाद आता है लॉजिक यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का वो मैं बता रहा हूं अब एरे में दस वैल्यू है तुम्हारे पास में तरीका ये होता है मैक्सिमम फाइंड करने का कि पहली वैल्यू को मान लो कि वो मैक्सिमम है मैंने मान लिया कि मैक्सिमम मेरा एरे के जीरो वाले इंडेक्स वाला वैल्यू है तो आईटी मैक्स इज इक्वल टू ए एट जीरो मैंने दे दिया अब इसके बाद हम एक लूप चलाएंगे यहाँ पे फॉर हमेशा लूप चलेगा कुछ भी काम तुम्हें एरे में करना है लूप के बिना नहीं हो सकता लूप चलेगा फिर से यहाँ पे लूप चलाएंगे फॉर एंटी आई इज इक्वल टू जीरो से आई लेस देन कहाँ तक ए डॉट लेंथ तक हमेशा जब भी चलाओगे जीरो से लेके ए डॉट लेंथ तक लूप चलता है ज़्यादातर केसेस में आई प्लस प्लस ये हो गया ठीक है अब यहाँ तुमको क्या करना है यहाँ तुम्हें चेक करना है इफ अगर तुम्हारा एरे का कोई भी एलिमेंट इस मैक्सिमम एलिमेंट से बड़ा है क्या चेक कर रहे हो कि अगर एरे का कोई भी एलिमेंट यानी कि ए एट आई आई चेंज होता जाएगा ए एट आई तुम्हारा बदलता जाएगा पहले जीरो इंडेक्स वाला फिर फर्स्ट इंडेक्स वाला फिर सेकेंड इंडेक्स वाला अगर कोई भी एलिमेंट इज ग्रेटर दैन द मैक्सिमम वैल्यू समझना अगर एरे का कोई भी वैल्यू इज ग्रेटर दैन द करेंट मैक्सिमम वैल्यू देन नया मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा द न्यू मैक्सिमम वैल्यू विल बी मैक्स इज इक्वल टू ए एट आई तो यहां पे व्हाट वी आर चेकिंग टू अपडेट न्यू मैक्स तो यहां पे अगर हमें कोई और बड़ा वैल्यू मिल जाता है तुमने अज्यूम किया था कि पहला एलिमेंट सबसे बड़ा है लेकिन अगर पूरे एरे में कोई भी एलिमेंट इससे और बड़ा मिल गया तो मैक्सिमम को बदल दो फिर उससे भी बड़ा कोई और एलिमेंट मिल गया तो मैक्सिमम को फिर से बदल दो तो होते 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 क्या होगा आखिर तक पहुंचते पहुंचते जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वही तुम्हारा मैक्स वाले वेरिएबल में सेव हो जाएगा यहां पे तुम एक और काम भी कर सकते हो अगर तुम्हें वैल्यू के साथ साथ पोजीशन भी चाहिए तो यहाँ पे एक काम करो यहाँ पे ले लो एक और वेरेबल आइंटी पॉस पोजिशन सेव करने के लिए मैक्सिमम वाले का आइंटी पॉस इज इक्वल टू तो जीरो मान लो शुरुआत में तो जैसे ही तुमको मैक्सिमम मिल रहा है वहां पे तुम पोजिशन भी सेव कर लो उसका पोजिशन सेव करने के लिए दूसरा वेरिएबल ने पॉज ले लिया पोजिशन इज इक्वल टू ले लो आई ठीक है तो यहाँ पे दोनों चीजें सेव कर रहे हो मैक्सिमम को भी अपडेट कर रहे हो ये जो स्टेटमेंट ये वाला है ये मैक्सिमम को अपडेट कर रहा है और उसके साथ साथ जहाँ मैक्सिमम मिला वहाँ पे तुमने पोजीशन भी सेव करा लिया टू सेव द पोजिशन ऑफ मैक्स ये वाला किस लिए है टू सेव द पोजिशन ऑफ मैक्स मैक्स वैल्यू का जो पोजिशन होगा वो भी ये सेव कर देगा आई होप ये चीज समझ में आगे होगी मैक्सिमम वैल्यू हमारा फाइंड हो गया ये पूरा जब लूप रन होगा एक एक करके सारे एलिमेंट चेक होंगे जहां मैक्सिमम मिलेगा वो मैक्सिम इसमें सेव हो जाएगा तो बस एंड में हमें क्या करना है वी हैव टू प्रिंट द मैक्सिमम वैल्यू तो प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलेन यहां लिखोगे डबल कोट्स के अंदर एज इट इज जो तुमको प्रिंट करना है वो डबल कोट्स में लिखो क्या प्रिंट करोगे मैसेज लिखोगे मैक्सिमम वैल्यू इज पहले लिखोगे और यहां पे स्पेस देके फिर तुम्हें वैल्यू प्रिंट करनी है एग्जैक्ट क्या वैल्यू तुम्हारी मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू कहां स्टोर्ड है तुम्हारे मैक्स वाले वेरिएबल वे वे में तो यहां पर लिख दो प्लस मैक्स क्या प्रिंट हो होके आ जाएगी तुम्हारी मैक्सिमम वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और ये कहां प्रेजेंट है उसका पोजीशन भी अगर तुम्हें प्रिंट करना है तो वो अगली लाइन पे प्रिंट कर दो यहां पे लिख दो पोजीशन कितनी है उसकी वो यहां पे लिख देंगे पोजीशन इज और यहां पे लिख दो पॉज बस तुम्हारा हो गया काम अब यहां पे इसको अगर रन करें तो ये क्या काम करेगा देखना यहां पे दस वैल्यू हमें इनपुट करनी है और उसमें फिर हम मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे ठीक है तो देखो यहां पे लिख के आ गया एंटर टेन वैल्यूज तो यहां पे दस वैल्यू पहले हम देते हैं मैं यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं दूंगा रैंडम वैल्यूज दूंगा ताकि यहां पे करेक्ट ये बता पाए मैक्सिमम क्या है पहले मान लो मैंने वन दिया फिर टेन दे दिया फिर यहाँ पे माइनस फाइव दे दिया फिर माइनस टेन दे दिया फिर हंड्रेड दे दिया अचानक से सबसे बड़ा वैल्यू यही मान लो देते हैं फिर उसके बाद फिफ्टी दे दिया और कहीं पर कुछ एरर हो गया मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया गलती से सॉरी रुको दोबारा से करता हूँ वहाँ कैरेक्टर वैल्यू चला गया था इसलिए एरर आ गया मैंने फुल स्टॉप दबा दिया गलती से फिर से करते हैं माइनस फाइव जीरो टू हंड्रेड फिर उसके बाद फिफ्टी फिर उसके बाद सिक्स फिर उसके बाद नाइन फिर उसके बाद एक और बड़ा वन फिफ्टी दे देते हैं वैल्यू फिर उसके बाद मान लो सेवेंटी दे दिया फिर उसके बाद फाइव दे दिया देखो लिख के आ गया ये सारी वैल्यू हमने इंटर की इसमें अब उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कौन सी है द मैक्सिमम वैल्यू इज वन फिफ्टी और साथ साथ उसका पोजिशन भी इसने बताया है पोजिशन नंबर क्या है इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ एट पोजीशन है लेकिन इंडेक्स होगा index होगा, तो हो होगा। yes, तुम्हारा हो, और यहां बता देता हूं अगर यहाँ पे मैक्स की जगह तुमसे मिनिमम फाइंड करने के लिए कहेगा तो यहां पे मिन करने के लिए क्या करोगे बस लेस देन लगा दोगे तुम्हारा मिन वाला काम हो जाएगा अगर मिनिमम फाइंड करने के लिए कहेगा तो यहाँ पे बस लेस देन सिंबल लगा के बाकी सब जगह मिन मिन करके इस तरह तुम तो मिन की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो अगर मिनिमम फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कहता है तो इस तरह कर दोगे ठीक है मैं मैक्सिमम का ही रहने दे रहा हूं बट आई होप सब लोग समझ गए हो गए ये वाला काम कैसे करना है तो एक चलो काम हो गया सर सेकेंड लूप में स्टार्ट आई फ्रॉम वन कर सकते हो वो भी काम करेगा जो ये वाला लूप है इसमें आई फर्स्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो बिकॉज पहला एलिमेंट जीरो वाला तो तुम ऑलरेडी मान चुके हो बन से भी स्टार्ट करोगे तब भी वही काम करेगा जीरो से भी स्टार्ट करोगे एक बार एक्स्ट्रा चलेगा लेकिन तब भी वही काम करेगा वो मैंने इसलिए जीरो से बताया था क्योंकि हर प्रोग्राम में तुम्हें जीरो से ही स्टार्टिंग करनी है लूप की ठीक है सर डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम कितने आते हैं एक प्रोग्राम आता है क्लास टेंथ में बाकी इलेवन ट्वेल्थ में ट्वेल्थ में तो सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव आएंगे टेंथ में तुम्हारा एक डिस्क्रिप्टिव वाला प्रोग्राम आता है आई होप समझ में आ गया होगा सब बच्चों को ये चलो इसके बाद बढ़ते हैं अभी आगे और देखते हैं आगे क्या पढ़ना है चल आई जितना समझाया मैंने उतनी बातें तो समझ में गई होंगी सब बच्चों को अब इसके बाद यह वाला एक आउटपुट क्वेश्चन करते हैं बूस्टअप करते हैं फिर उसके बाद आगे बताता हूं क्या देखते हैं फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग बेटा अगले किसी वीडियो में देखेंगे अभी इसको करते हैं आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन यह बताओ सर इट विल नॉट रिपीट Uh, कोई बात नहीं रिपीट अगर हो जाएगा तब भी कोई बात नहीं फर्स्ट वाला एलिमेंट खुद ही से कंपेयर हो जाएगा तब भी वही मैक्सिमम ही रहेगा है ना चाहे तुम जीरो से लूप को स्टार्ट करो चाहे वन से स्टार्ट करो काम दोनों करेंगे वहां पे सर बिकॉज आई गॉट नाइन्टी नाइन आउट ऑफ हंड्रेड इन बोर्ड्स बिकॉज ऑफ यू चलो मोस्ट वेलकम बेटा सार्थक एंड आगे भी ऐसे ही मार्क्स लेके आना अगले क्लास में सर so, फिजिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से लें फिज़िक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन बेटा कई बुक्स आती हैं लास्ट टेन ईयर्स की बुक खरीद सकते हो या फिर ओसवाल की बुक्स आती हैं एड्यूक की बुक्स आती हैं उसमें कई सारे तुम्हें अनसॉल्व क्वेश्चन होते हैं एक कुछ, एक बुक कोई बाय कर लो उसमें से सर डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम मतलब डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम मतलब ये होता है जहाँ पे तुम्हें क्लास फंक्शंस सब चीज़ें बता दी जाती हैं कि ये चीज़ बनानी है क्लास टेंथ का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखना क्लास टेंथ आई का उसमें सबसे फर्स्ट प्रोग्राम जो होता है क्वेश्चन फाइव वो तुम्हारा होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप का उसमें सब बता दिया जाता है पहले से क्या क्या बनाना है एटीन फोर नाइन तो मैं चेक कर लेता हूँ जल्दी से क्या यहाँ पर आउटपुट आ रहा है फिर बताता हूँ यहाँ पे है सिस्टम प्रिंट एलिजन ए आर एट थ्री इंडेक्सेज तुम्हारे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ये हैं तो यहाँ पे ए आर एड थ्री इंटू टू ए आर एड थ्री तुम्हारा है नाइन यहाँ हो जाएगा नाइन इंटू तो ये आ जाएगा तुम्हारा एटीन फिर उसके बाद सेकेंड तुम्हारा हो जाएगा ए आर एट फोर ये आ जाएगा यानी कि फोर और उसके बाद ए आर एट सिक्स टू सिक्स टू एट हो जाएगा फाइव सिक्स सेवन एट ये तुम्हारा थ्री हो गया सो थ्री इन टू थ्री इज इक्वल टू नाइन सो एटीन फोर और नाइन एटीन वन और ट्वेंटी फोर तो नहीं आ रहा है रुको जरा ए आर एट फोर वन होगा और प्लस थ्री ये हो जाएगा तुम्हारा फोर ठीक है और ये हो जाएगा लास्ट केस में ए आर एट सिक्स प्लस टू ये हो जाएगा एट थ्री सीज़न एंड नाइन ये आएगा बेटा एटीन फोर और नाइन लावण्या का एकदम सही है एटीन फोर और नाइन आएगा आई एम फ्रॉम मार्स तुम्हारा भी सही है एटीन फोर एंड नाइन एटीन वन एंड ट्वेंटी फोर कैसे आ सकता है बेटा ए आर एट फोर प्लस थ्री है वो तो पहले ए आर एट फोर का वैल्यू लो उसमें थ्री ऐड करो तो ये आएगा एटीन फोर और नाइन ठीक है एटीन फोर नाइन आएगा यस शिंजनी आई होप मैंने नाम सही से लिया है शिंजनी एकदम सही है तुम्हारा आंसर हेलो सर बिग फैन यू हेल्प मी स्ट्रॉगिंग इन फ्यू मैथ्स एंड कंप्यूटर थैंक यू सर योर मोस्ट वेलकम बेटा सर टेंथ में हंड्रेड मिला था कंप्यूटर में पर इलेवेंथ हाफ एल के एग्ज़ाम में एटी नाइन आया कोई बात नहीं हाफेल डी का देखो एग्जाम टफ ही होगा अभी प्री बोर्ड तक टफ होगा जब फाइनल पेपर आएगा उसमें देखना मार्क्स अच्छे आएंगे प्रैक्टिस करते रहो मेहनत करते रहो फाइनल एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे चलो ग्यारह आई होप समझ में आ गया होगा इसका आउटपुट मैं लिख देता हूं यहां पे एल लगा है सारे अलग अलग लाइन पे प्रिंट होंगे पहले यहां पे एटीन आएगा अगले पे फोर और अगले पे नाइन सो एटीन फोर और नाइन आएगा यस दिवल एकदम करेक्ट है चलो इसके बाद देखते हैं ये वाला क्वेश्चन यहां पे क्या है एक फंक्शन के अंदर कोड लिखा हुआ है और यहां पे एरे को लूप के साथ में दे दिया गया अब ये थोड़ा सा टफ लेवल का हो गया इसको देखो ये कर पाते हो कि नहीं थोड़ा सा मैं भी हेल्प करूंगा या ट्राई करो देखते हैं कौन कर पाता है पहले यहां पे है एक फंक्शन और फंक्शन के अंदर क्या है एक एरे दिया हुआ है आई एन टी वाई इज इक्वल टू टू फोर फाइव एट और इसमें तुम्हारा ये जीरो इंडेक्स हो गया वन टू और थ्री चार साइज का एरे है और यहाँ पे तीन इंडेक्स है फिर है आई एन टी क्यू इज इक्वल टू वाई डॉट लेंथ तो वाई का लेंथ कितना है ये हो जाएगा फोर वाई का लेंथ तो चार है उसमें इंडेक्स भले जीरो से थ्री तक है तो यहां पे क्यू की वैल्यू हो गई फोर क्यू इज इक्वल टू हो गया फोर फिर आगे आई एन टी पी इज इक्वल टू जीरो हो गया फिर आगे शुरू होता है यहां से लूप। और आई एन टी जे इज इक्वल टू जीरो जे लेस देन क्यू एंड जे प्लस प्लस q तुम्हारा कितना है फोर ध्यान रखना q का वैल्यू फोर है तो यहाँ पे लूप तुम्हारा जीरो से लेके फोर से लेस देन यानी थ्री तक चलेगा तो जीरो से थ्री तक ये लूप चल रहा है फिर उसके बाद अंदर क्या लिखा हुआ है लूप के p इज इक्वल टू वाई एट j प्लस वाई एट थ्री माइनस जे अब यहाँ पे तुम्हें ड्राई रन बनाना पड़ेगा ड्राई रन में बनाता हूँ फिर इसको करते हैं ड्राई रन देखो यहाँ पे q इज इक्वल टू फोर है सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे आई इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई नहीं है जे है यहां पे यहां पे जे की वैल्यू तुम्हें और नंबर ऑफ इटरेशन पहले लिख दो नंबर ऑफ इटरेशन फिर उसके बाद अगला कॉलम बनेगा तुम्हारा जे की वैल्यूज का फिर उसके बाद अगला कॉलम तुम्हारा बनेगा कंडीशन का फिर उसके बाद अगला कॉलम तुम्हारा बनेगा पी का ठीक है ये हो जाएगा हमारा ड्रायरन का पूरा टेबल अब यहां पे एक एक करके चलो उसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला जीरो इटरेशन यानी पहली बार जब आएंगे तो यहाँ पे जे का वैल्यू क्या होगा जे का वैल्यू रहेगा जीरो स्टार्टिंग में कंडीशन क्या चेक होगा जे लेस देन क्यू जे अभी तुम्हारा क्यू से लेस देन है क्योंकि वैल्यू फोर है तो कंडीशन इज ट्रू तो पहली बार लूप के अंदर गए पहली बार तो क्या होगा फर्स्ट टाइम अंदर लूप के गए तो यहाँ पे लिखा है p इज इक्वल टू वाई एट जे प्लस वाई एट थ्री माइनस जे क्या हो जाएगा यहाँ पे एंड यहाँ पे नंबर ऑफ इटरेशन चाहे तो इस तरह ही कर लो रुको जरा यहां पे इसको फर्स्ट स्ट्रेशन दे देते हैं गलत मैंने किया था यहां पे फर्स्ट स्ट्रेशन दे दिया जे की वैल्यू जीरो है कंडीशन ट्रू है पी की वैल्यू क्या होगी वो देखो वाई एट जे जे की वैल्यू कितनी है जीरो है तो वाई एट जे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टू प्लस वाई एट थ्री माइनस जे थ्री माइनस जे करो जे की वैल्यू जीरो है तो थ्री माइनस जीरो करोगे थ्री आएगा वाई एट थ्री कितना है एट ये आ जाएगा एट तो यहां पे पी की वैल्यू कितनी है? आ गई आ गई टेन ठीक है ये हो गया और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेंट तुम्हें पी दिया है यानी कि आउटपुट में यहाँ पे लिखता चलूंगा सबसे पहली बार पी का वैल्यू प्रिंट होगा तो पी में कितना आया टेन आ गया अगली बार फिर नेक्स्ट टाइम फिर से लूप में आएंगे जे का वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगा जे का वैल्यू तुम्हारा हो गया सेकेंड इटरेशन में जे का वैल्यू हो गया वन कंडीशन चेक होगा वन लेस देन फोर ट्रू आएगा फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा पी इज इक्वल टू जे की वैल्यू वन है तो वाई एट वन तुम्हारा है फोर वाई एट वन फोर है प्लस वाई एट थ्री माइनस वन थ्री माइनस जे है तो वाई एट थ्री माइनस वन वाई एट टू ये तुम्हारा है फाइव तो फोर प्लस फाइव यह आ जाएगा तुम्हारा नाइन और सेकेंड आउटपुट तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा यहां पे नाइन ठीक है फिर उसके बाद अगला फिर से इटरेशन यहां पे होगा तीसरा यहां पे जे का वैल्यू बढ़ के अब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा टू कंडीशन चेक होगा टू लेस देन यहाँ पे कंडीशन है जे लेस देन क्यू तो यहाँ पे टू लेस देन फोर अभी भी कंडीशन ट्रू है ये आगे बढ़ जाएंगे अंदर फिर आएंगे क्या होगा पी इज इक्वल टू वाई एट जे जे का वैल्यू टू है तो वाई एट टू यहां पे फाइव है प्लस फिर उसके बाद वाई एट थ्री माइनस जे थ्री माइनस टू ये हो जाएगा तुम्हारा वन हो जाएगा यानी वाई एट वन ये हो जाएगा फोर तो ये अगेन आएगा नाइन फिर क्या प्रिंट होगा नाइन प्रिंट हो जाएगा देख लो एक बार ये हो जाएगा वाई एट जे है जे तुम्हारा टू है तो यहां पे हो जाएगा वाई एट टू यानी कि फाइव और उसके बाद थ्री माइनस टू ये वन आएगा यानी कि वाई एट फोर ये वाई एट वन ये हो जाएगा फोर तो फाइव माइनस फोर और ये फाइव प्लस फोर ये आ जाएगा तुम्हारा नाइन नाइन ही दो बार प्रिंट होगा ठीक है फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इटरेशन होगा चौथा लास्ट होगा मेरे हिसाब से जे का वैल्यू थ्री हो जाएगा कंडीशन हो जाएगा ट्रू अभी भी थ्री लेस देन फोर है क्या प्रिंट होगा वाई एट यहाँ पे है तुम्हारा थ्री तो वाई एट थ्री पे एट है प्लस उसके बाद थ्री माइनस थ्री हो जाएगा जीरो तो वाई एट जीरो तुम्हारा टू है एट प्लस टू टेन ये हो जाएगा तुम्हारा अगेन टेन तो ये प्रिंट होगा मैं इसको साइड कर देता हूं दिख नहीं रहा होगा तुम लोग को ये आउटपुट आ जाएगा ठीक है बस इसके बाद क्या होगा जे की वैल्यू तुम्हारी अगले इटरेशन पे हो जाएगी फोर और यहां पे कंडीशन विल बिकम फॉल्स यहां कंडीशन फॉल्स हो गया तो यहां पे इतने के बाद हम बाहर निकल आएंगे तो लूप कितनी बार रन हुआ लूप विल रन फोर टाइम्स ये अगर क्वेश्चन आ जाता कि लूप कितनी बार चला तो लूप विल रन फोर टाइम्स और आउटपुट तुम्हारा क्या प्रिंट होके आएगा टेन नाइन नाइन टेन सभी बच्चों का सही आंसर है सब बच्चे निकाल चुके हैं एकदम सही चार भी बेटा टेन नाइन नाइन टेन भी प्रिंट होगा यस सौरजीत अंशिता टेन नाइन सेवन टेन सेवन नहीं है अंशिता टेन नाइन नाइन होगा चेक कर लो आप सौरजिता का एकदम सही है सौराजिता सौराजीत सॉरी सौराजीत तुम्हारा एकदम आंसर सही है दिवल टेन नहीं होगा बेटा पूरा आंसर आप लिखो नाइन नाइन और टेन चार भी? टेन मिसिंग कर दिया तुमने शुरुआत में टेन नाइन नाइन और टेन एकदम सही लूप फोर टाइम्स लूप विल रन एकदम सही है जिन सर टू डी मैट्रिक्स का प्रोग्राम बोर्ड में आता है कि नहीं आता है आता है बेटा पिछले साल नहीं आया था रिड्यूस हो गया था बट इस बार फिर से टू डी आ रहे तुम्हारा कोर्स में है टेन नाइन नाइन टेन आई होप सब बच्चों को ये समझ में आया होगा जितने बच्चों को भी ड्राई रन बनाने में दिक्कत होती है ये सीख लो यही तुम्हारा ड्राई रन होता है टेबल बनता है जो जो चीजें मैंने यहां बताई हैं सेम इसी तरह तुम्हें भी आउटपुट निकाल के ड्राई रन करके दिखाना होगा राइट चलो अब बढ़ते हैं आगे एक और क्वेश्चन इसी तरह का है ये भी कर लो फिर उसके बाद एक अगला प्रोग्राम में बताता हूं तुम लोग को इंपॉर्टेंट एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन करो मैं भी करता हूं साथ में तुम लोग भी ड्राई रन इसका करो एंड बना के इसका आउटपुट मुझे बताओ सर मुझे ड्रैगन सुनाई दिया था शिंजनी मैंने ड्रैगन नहीं बोला था चिंजनी बोला था चलो इसको करते हैं अभी यहाँ पे सबसे पहले इसका टेबल बना लेते हैं ड्रायरन का और इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे भी तुम्हारे पास में एक एरे है और फिर लूप स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे तुम्हारा देखो दो डायमें यहाँ पे दो लूप चल रहे हैं टू डायमेंशन का नहीं है ये यहाँ पे दो लूप चल रहे हैं सो तो इसके लिए ड्रायरन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा तो मैं डायरेक्ट तुम्हें इसका बताता हूँ क्या होगा यहाँ पे समझना यहाँ पे क्या है आइन टी ए आर आर यहाँ पे तुम्हारे पास में एक एरे है फिर पहला लूप है j इज इक्वल टू जीरो जे लेस दैन फोर जे प्लस प्लस तो ये वाला लूप तुम्हारा चलेगा कितने बार जीरो से थ्री तक यानी कि फोर टाइम्स ठीक है ये लूप चलेगा फोर टाइम्स फिर इसके बाद अगला इसके अंदर लूप क्या है फॉर आइंटी एन इज इक्वल टू जीरो एन लेस देन इक्वल टू जे एन प्लस प्लस यहां पे ये क्या हो रहा है जितना तुम्हारा जे का वैल्यू होगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि एन वाला लूप कितनी बार चलना है तो यहां प्रिंट क्या हो रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए आर एन और उसके बाद में प्लस स्पेस तो यहां थोड़ा सा ड्राई रन हमको बनाना पड़ सकता है तो चलो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना होगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बट करते हैं यहाँ पर देखो सबसे पहले शुरू से चलते हैं ड्रायरन यहाँ पर मैं बनाऊंगा साइड में तुम लोग भी समझना क्या होगा यहाँ पे देखो सबसे पहली बार j का वैल्यू जब j के वैल्यू के लिए हम यहाँ पे लेके चलते हैं j का वैल्यू शुरुआत में है जीरो तो जब j का वैल्यू जीरो है तब यहाँ पे अंदर है ठीक है फिर अंदर है अंदर क्या हुआ एन वाले लूप में है एन वाला लूप तुम्हारा कितनी बार चलेगा एन इज इक्वल टू जीरो से लेके एन लेस इक्वल टू जे तक यानी जीरो से ही स्टार्ट हुआ जीरो पे ही खत्म हो गया एक बार चलेगा यहां पे जे इज इक्वल टू जीरो के लिए एन वाला लूप एन लूप विल रन वन टाइम एक बार चलेगा एन वाला लूप कितने के लिए जीरो के लिए चलेगा बस ठीक है खुद सोच लो जे की वैल्यू जीरो है तो उसके लिए एन वाला लूप का कंडीशन क्या है जीरो से स्टार्ट हुआ एन लेस देन इक्वल टू जीरो तक ही चलेगा एक बार चलेगा बस तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा तुम्हारा आउटपुट में यहाँ लिखूंगा नीचे आउटपुट यहां पे इस जगह प्रिंट होगा क्या प्रिंट होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यहां पे ध्यान देना तुम लोग यहाँ पे प्रिंट है एल एन नहीं है तो यानी कि जितने भी चीजें प्रिंट होंगी वैल्यू प्रिंट होंगी वो एक ही लाइन पे प्रिंट होंगी तो एक लाइन पे ए आर आर एट एन प्रिंट होगा एन क्या है तुम्हारा एन जीरो है ए आर आर एट एन क्या हो जाएगा ए आर आर के जीरो इंडेक्स पे तुम्हारा थ्री लिखा हुआ है उस तरह का कुछ यहां प्रिंट हो, आएगा। पैटर्न, का पैटर्न प्रिंट हो गया यहाँ फिर उसके बाद जे की वैल्यू बढ़ेगी अगली बार में जे की वैल्यू मान लो हो गई वन तो जे की वैल्यू जब वन होगी फिर अंदर आएंगे एन वाला लूप इस बार कितनी बार चलेगा जीरो से लेके एन लेस देन इक्वल टू वन तक यानी जीरो के लिए चलेगा एन और वन uh, के लिए चलेगा सो एन लूप विल रन टू टाइम्स एन लूप विल रन टू टाइम्स तो एन वाला लूप दो बार चलेगा पहले जीरो और फिर वन इंडेक्स के लिए तो so, यहां पे ए आर आर एट वन इंडेक्स प्रिंट होगा अगली लाइन पे और स्पेस फिर ए आर आर एट वन इंडेक्स पहले जीरो इंडेक्स और वन इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा सो so, अगली लाइन पे क्या प्रिंट होगा जीरो इंडेक्स का वैल्यू ठीक है और एन का वैल्यू फिर वन हो जाएगा बढ़ के फिर वन इंडेक्स का वैल्यू यानी कि फोर ये प्रिंट हो गया फिर अगली लाइन पे हम आ जाएंगे क्योंकि यहां पे अगली लाइन पे देखो एल एन यहां पे लिखा हुआ है स्लैश एन ये तुम्हारा ये लगा हुआ है तो इसकी वजह से नेक्स्ट लाइन पे आ गए फिर उसके बाद जे का वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा जे का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा टू फिर टू वैल्यू के लिए एन का लूप कितनी बार चलेगा जीरो वन और लेस देन इक्वल टू टू है तो टू के लिए भी चलेगा एन जे वाला लूप तुम्हारा तीन टाइम इस बार चलेगा सो तो एन लूप विल रन इस बार कितना थ्री टाइम्स और वैल्यू क्या क्या होंगी तुम्हारी इंडेक्सेज जीरो की वैल्यू जीरो होगी वन होगी और टू होगी तो यहाँ पे इन इंडेक्सेस के वैल्यू को प्रिंट कर दो क्या क्या है जीरो वन और टू पे इंडेक्स में चलो लिख देता हूँ आसानी के लिए तुम्हें जीरो वन टू थ्री ये तुम्हारे एरे के इंडेक्सेस हैं प्रिंट कर देते हैं इनको यहाँ पे हो जाएगा जीरो इंडेक्स का वैल्यू थ्री वन इंडेक्स का वैल्यू फोर और टू इंडेक्स का वैल्यू फाइव भी प्रिंट हो गया फिर इसके बाद जे का वैल्यू और बढ़ेगा जे का वैल्यू अगली बार हो जाएगा तुम्हारा थ्री तो वैल्यू के लिए एन वाला लूप कितनी बार चलेगा जीरो वन टू थ्री चार बार अब चलेगा एन वाला लूप तो एन वाला लूप विल रन फॉर कितने टाइम्स फोर टाइम्स और यहां पे क्या क्या तुम्हें एन की वैल्यूज होंगी जीरो होगी वन होगी टू होगी और थ्री होगी यानी कि ये सारे इंडेक्सेस के वैल्यू यहां पे प्रिंट हो जाएंगे क्या क्या प्रिंट होगा थ्री फोर फाइव और सिक्स ये प्रिंट हो जाएगा फिर उसके बाद फिर से जे का वैल्यू कितना हो जाएगा जे का वैल्यू फोर होगा और जे लेस देन फोर कंडीशन हो जाएगा फॉल्स यहां पे कंडीशन फॉल्स हो गया और यहां से हम एग्जिट होके बाहर निकल आएंगे तो हमारा लूप कितनी बार चलेगा ये लूप तुम्हारा चलेगा आ, काउंट कर लो पहली बार एक बार चला फिर दो बार फिर तीन बार फिर चार बार तो चार तीन सात दो नौ एक दस टेन टाइम्स टोटल ये एग्जीक्यूट होगा तुम्हारा प्रोसेस ठीक है तो ये ट्रायंगल पैटर्न तुम्हारा प्रिंट होगा आई होप ये समझ में आएगा आया होगा तुम लोगों को यहाँ पे एक बात याद रखना जब भी तुम्हारे दो लूप्स होंगे वहां पे डायरन इसी तरह का बना देना उसमें मत पढ़ना कि पूरा डायरन टेबल फॉर्म में बनाओ बिकॉज अगर वैसे पढ़ोगे तो दो मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा तुम काम कर दोगे सो so, आई होप ये समझ में आया होगा इसी तरह तुम्हें दो लूप्स वाले प्रॉब्लम्स को डील करना है समझना पड़ेगा तुम्हें क्या प्रॉब्लम यहाँ पे तुम्हारा आ, मतलब जो कोड है वो एक्चुअली क्या काम कर रहा है ये तुमको समझना पड़ेगा समझ जाओगे तो ऐसा काम मतलब ये चीज तुम समझ के यहाँ पे आउटपुट को बता ले जाओगे सर ट्रायंगल पैटर्न होगा ना सर यस yes, ट्रेंगल पैटर्न होगा और ये सारे लूप वाले आरे वाले वैल्यूज इस तरह ट्रेंगुलर पैटर्न में प्रिंट हो जाएंगे आई होप समझ में आ गया हो गए अब इसके बाद हम लोग करने वाले हैं एक अच्छा सा प्रोग्राम थैंक यू सर मोस्ट वेलकम आ ओके सर गॉट इट चलो बहुत अच्छा सर डी डी ए पढ़ा दीजिए चलो ठीक है इसके बाद मैं डीडीए पढ़ा देता हूँ फिर उसके बाद आते हैं मेन उस पर अपने टॉपिक पे चलो ठीक है इसके बाद डीडीए पढ़ा देता हूँ फिर उसके बाद आएंगे अपने अगले टॉपिक पे अब देखो एरे तुम्हारे दो टाइप्स के होते हैं इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा फिर उसके बाद थोड़ा प्रोग्रामिंग आएगी उसकी एरे तुम्हारे दो टाइप्स के होते हैं टाइप्स ऑफ एरेस एक होता है तुम्हारा डी एरे एक होता है वन डी एरे और एक तुम्हारा होता है टू डी एरे अब इनका मतलब क्या होता है वो समझ लो ध्यान से ठीक है देखो वनडी एरे के, के केस में क्या होता है हमारे एरे में सिर्फ एक डायमेंशन होता है यानी कि एरे हमारा कुछ ऐसा होगा सीधा सीधा मतलब कि एक लाइन में ऐसे सारी वैल्यूज तुम्हारी सेव हो जाएंगी वनडी एरे में हाय सर कैन यू डू लाइव स्ट्रीम ऑन सर्कल्स करते हैं बेटा बट आज नहीं करेंगे किसी और दिन पक्का कर लेंगे अब यहां पे देखो वन डी एरे में तुम्हारा सिर्फ एक डायमेंशन होता है मतलब यहां पे सिर्फ तुम्हारे पास में क्या है सिर्फ यहां पे एक सिंगल रो है और इसी में तुम्हारे सारे इंडेक्सेस इंडेक्सेज वन टू थ्री फोर और फाइव मतलब सिर्फ एक लेंथ ही तो है लेंथ और ब्रेथ नहीं है यहां पे कोई यहां पे सिर्फ एक डायमेंशन में सारे वैल्यू हैं यानी कि सिर्फ तुम्हारे पास में ये इंडेक्सेस हैं ठीक है तो ये वन डी एरे होता है लेकिन क्या हो कि अगर इससे भी ज्यादा तुम्हें वैल्यू सेव करनी हो तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं टू डी एरे का सो टू डी एरे का कॉन्सेप्ट क्या होता है समझ लो टू डी एरे के केस में हमारे पास में दो डायमेंशनस होते हैं जैसे एक रेक्टेंगल होता है तुम्हारा रेक्टेंगल तुम्हारा दो डायमेंशन का होता है उसमें लेंथ भी होती है ब्रेथ भी होती है लाइन सिर्फ एक सिंगल लाइन होती है उसमें सिर्फ लेंथ होता है रेक्टेंगल में तुम्हारा लेंथ भी होता है ब्रेथ भी होता है तो वही काम तुम्हारा टू डी एरे में भी होगा टू डी एरे के केस में दो डायमेंशन होती हैं दो तरह से यहाँ पे चीज़ें चलती हैं इस केस में दो डायमेंशन तुम्हारे पास में है एक तो देखो इंडेक्सेस ऐसे ऐसे चलेंगे जीरो वन टू थ्री एक तो ऐसे ऐसे चल रहे हैं इंडेक्सेस और एक तुम्हारे इंडेक्सेस ऐसे भी चलते हैं जीरो वन टू थ्री इस तरह ठीक है तो अब यहां पे 2D एरे में थो, थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताता हूं ये तो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दिया कि 1D एरे में सिर्फ एक डायमेंशन होगा इसीलिए उसका नाम है वन डायमेंशन एरे और 2D एरे के केस में दो डायमेंशन हो जाते हैं एक रेक्टेंगल फॉर्म कर लेता है अच्छा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे तीन और तीन ऐसे ही हो हो सकता है चार हो और चार बाई तीन का हो हो सकता है तीन बाय चार का हो हो सकता है फाइव बाय थ्री का हो फाइव बाई टू का हो हो सकता है रो और यहाँ पे कॉलम के नंबर अलग अलग हो ठीक है तो अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ यहाँ पे दो डायमेंशन है इसीलिए तुम्हारा ये टू डी एर कहलाता है अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं देखो टू डी एर में दो डायमेंशन है और इन डायमेंशन को क्या कहते हैं अब उसकी बात कर लेते हैं मान लो यही हमारा टू डी एर इस तरह का है और इस बार मैं अलग साइज का लूंगा मान लेते हैं इसमें मैंने एक दो तीन चार चार ये बना ली और इस बार सिर्फ मैं एक और दो इस तरह बनाऊंगा अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे मैं डायमेंशंस लिख रहा हूँ अभी इनका मतलब बताता हूँ जीरो वन टू थ्री और कुछ डायमेंशंस मैंने यहाँ पे लिख दिए जीरो वन टू अलग अलग कर दिए ना इस बार अब यहाँ पे देखना ध्यान देना यहाँ पे जो ये फ्लैट वाले डायमेंशनस लिखे हुए हैं किस से लें ब्लू से लिखते हैं यहाँ पे जो ये वाले डायमेंशन लिखे हुए हैं जीरो फिर वन फिर टू दीज आर रोज दीज आर रोज रोज क्या होती हैं रोज का यहाँ पे याद रखना रोज हमेशा हॉरिजोंटल होती हैं हॉरिजोंटल का मतलब स्पेलिंग कुछ गलत हो गई हॉरिजोंटल रोज यहाँ पे तुम्हारी हॉरिजोंटल होती हैं हॉरिजोंटल का मतलब फ्लैट इस तरह जो इस तरह चलेंगी वो तुम्हारी रोज होंगी और यहां पे जो वर्टिकल है जो ये वाले तुम्हारे हैं नंबर्स जीरो वन टू एंड थ्री दीज आर कॉलम्स दीज आर कॉलम्स ये कॉलम्स होते हैं ठीक है अब यहां पे सिर्फ थ्री डी आर भी होता है बेटा होता है फोर डी आर भी होता है फाइव डी आर भी होता है बट तुम्हारे कोर्स में नहीं है तुम्हारे कोर्स में सिर्फ थ्री डी आर ए तक है, है ना होता तो तुम चाहे जितने डायमेंशन का बना लो कॉन्सेप्ट है तुम चाहे टेन डायमेंशन का बना सकते हो वो भी कॉन्सेप्ट है बट उतना ज़्यादा एरे तुम हैंडल नहीं कर पाओगे तुम खुद नहीं समझ पाओगे कहाँ वैल्यू गया तो इसीलिए टू डायमेंशन तक ही अब ये रखते हैं थ्री डी एरे का भी यूज़ होता है उसमें तीसरा डायमेंशन पेजेस हो जाता है तुम्हारे कॉपी के पेजेस होते हैं जैसे उस तरह का तुम्हारा हो जाता है लेकिन वो चीज़ में हम नहीं जाएंगे हम टू डी एर तक ही रखेंगे चलो अब यहाँ पे ये चीज़ होती है रोज़ तुम्हारे ऐसे ऐसे होते हैं हॉरिजोटल कॉलम तुम्हारे ऐसे वर्टिकल होते हैं ऐसे ना याद रहे कॉलम तुम ऐसे याद रखना तुम्हारा घर में कोई पिलर होगा उसको कॉलम ही बोलते हैं तो कॉलम्स हमेशा वर्टिकल होते हैं तो वर्टिकल वाले कॉलम्स हैं और हॉरिजॉन्टल वाले रोज हैं तो टू डी के अंदर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट मैंने मान लो लिख दिया यहाँ पे एक्स तो अगर इस एक्स वैल्यू को मुझे रीच करना हो या एक्सेस करना हो तो इसको कैसे एक्सेस किया जाएगा इसका कलर मैं चेंज करता हूँ थोड़ा ऐसे लेते हैं अगर इस एक्स एलिमेंट को मान लो मुझे एक्सेस करना है तो इसको एक्सेस करने का तरीका क्या होगा टू एक्सेस दिस एलिमेंट मुझे लिखना पड़ेगा इस एरे का नाम मैं एक दे देता हूं दो ब्रैकेट्स लगाने होते हैं तो मान लो हमें इस एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है टू एक्सेस टू एक्सेस दिस एलिमेंट टू एक्सेस दिस एलिमेंट वी मस्ट स्पेसिफाई वी मस्ट स्पेसिफाई इट्स रो एंड कॉलम अच्छा तुम लोग बताओ ये एक्स कौन से रो और कौन से कॉलम में प्रेजेंट है चैट में के बताओ एक्स वाला एलिमेंट कौन से रो और कौन से कॉलम वाले इंडेक्स पे प्रेजेंट है रो का इंडेक्स बताओ कॉलम का इंडेक्स बताओ जल्दी से चैट में टू एक्सेस दिस एलिमेंट वी मस्ट स्पेसिफाई द रो कॉमा कॉलम इंडेसेस यहां पर हमें इंडेक्सेस बतानी पड़ेगी एक्स वाले एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए वन कॉम वन एकदम सही यहां पे रो का इंडेक्स भी वन है और कॉलम का भी इंडेक्स वन है तो अगर हमें एक्स वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है देन वी विल राइट ए एट तो ये हमारा एक्सेस हो जाएगा एक्स वाला एलिमेंट टू एक्सेस दी एलिमेंट एक्स वी विल राइट ए एट वन वन आई होप ये बात तुम लोग को समझ में आई होगी पहले हमको बताना होता है फर्स्ट दी फर्स्ट वी हैव टू टेल दी रो एंड देन वी है टू एक्सेस दू डी एरे एलिमेंट टू डी एरे में हम ऐसे एक्सेस करते हैं वन डी एरे में हमें सिर्फ एक डायमेंशन यहाँ एक्सेस करानी होती है और यहाँ पे आपकी आवाज पीछे चल रही है लगता है यू ट्यूब पागल हो गया है आवाज पीछे चल रही है ऐसा कुछ है क्या गैस एक बार कंफर्म करके बताओ आवाज क्लियर नहीं है क्या आवाज तो बिटा रही है एकदम सही आ रही है एक बार तुम एक काम करो रिफ्रेश मार लो है ना इस चीन को रिफ्रेश मार लो सही हो जाएगी आवाज इधर से तो सब सही है चलो आई होप ये बात समझ में आई होगी टू डी एरे में दो डायमेंशन होंगे रोज का और कॉलम का और कभी भी अगर टू डी एरे के अंदर हमें किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हमें दोनों चीजें बतानी होंगी कॉलम भी और रो भी ठीक है अब बात करते हैं टू डी एरे बनाते बनाएंगे कैसे देखो टू मेक अ टू डी एरे अब आता है कॉन्सेप्ट कैसे बनाना है टू मे का टू डी 2D टू डी एरे बनाएंगे कैसे टू डी बनाने के लिए हमें ऐसे बनाना होगा डिक्लेयर करना होगा इस तरह से डिक्लेरेशन देख लो जैसे वन डी एरे का डिक्लेरेशन मैंने बताया था टू डी एरे का भी डिक्लेरेशन देख लो टू डी एरे का डिक्लेरेशन इस तरह होता है जैसे मान लो इंटीजर हमें बनाना है तुम किसी भी टाइप का, बना सकते, का बना सकते हो तुम कैरेक्टर का टू डी एर बना सकते हो तुम स्ट्रिंग का टू डी एर बना सकते हो लेकिन मैं इंटीजर का बना रहा हूं समझाने के लिए यहाँ पे आई एन टी और एरे का नाम तुम ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो अपने नाम का तुम एरे का नाम ले सकते हो ए ले लेता हूं मैं आसानी के लिए यहां पे तुम्हें दो स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे ओपन क्लोज करके लगाने होंगे दो लगाओगे स्क्वायर ब्रैकेट इसका मतलब यही है कि यहाँ पे तुम्हारा टू डायमेंशन वाला एरे है इज इक्वल टू यहाँ लिखोगे न्यू फिर उसके बाद फिर से डेटा टाइप बताओगे कौन से टाइप वाला तुमने एरे बनाया है आईन टी का बनाया मैंने आईन टी लिखा फिर उसके बाद यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट में तुम्हें साइज बताना पड़ेगा किसका साइज कि कितने तुमको रो चाहिए कितने कॉलम चाहिए तो पहला वाला जो ब्रैकेट होता है इसमें रो का साइज बताओगे कितना तुम्हें रो का साइज लेना है फिर अगले स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे कॉलम का साइज बताओगे कि कितने तुमको कॉलम यहाँ पे बनाने हैं ये होता है तुम्हारा डिक्लेरेशन ऑफ अ टू डी एर आई होप इतना समझ में आया होगा और स्ट्रीम भी बफर हो रहा है बेटा इधर से तो स्ट्रीम सही जा रहा है आप एक काम करो रिफ्रेश मार लो है ना रिफ्रेश कर लो स्ट्रीम को तब एक बार देखो सही आ जाएगा बिकॉज इधर से तो स्ट्रीम एकदम फिट है मैं बिकॉज यहाँ पे देख रहा हूँ स्ट्रीम हेल्थ एकदम एक्सीलेंट कनेक्शन है कोई दिक्कत नहीं है चलो आई होप डिक्लेरेशन समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक चीज देख लो क्योंकि यहाँ पे हमें दो चीज़ें स्पेसिफाई करनी है रो का नंबर भी और कॉलम का नंबर भी इसीलिए यहाँ पे हमें दो लूप्स का यूज करना पड़ता है एक चीज यहाँ पे समझ लो डिक्लेरेशन बता दिया मैंने नाउ टू इनपुट और एक्सेस और प्रिंट कुछ भी करना होगा टू डी में इन टू डी वी हैव टू यूज कितने लूप्स वनडी एरे में एक लूप का इस्तेमाल कर रहे थे यहां पे दो लूप्स का इस्तेमाल करना होता है वी ऑलवेज यूज टू लूप्स हमें दो लूप्स का इस्तेमाल करना होता है कैसे एक लूप हमेशा चलाओगे फॉर आई का ये चलेगा किसके लिए रोज के लिए फिर उसके अंदर सब लूप चलता है जे का ये चलता है हमेशा कॉलम्स के लिए ये होता है तुम्हारा तरीका फॉर रोज एंड कॉलम्स दो लूप तुम्हें यहां पे लगाने पड़ेंगे एंड जो भी तुम्हें काम करना है चाहे तुम्हें इनपुट कराना हो चाहे तुम्हें वैल्यू को एक्सेस करना हो चाहे उसमें कोई काम करना हो चाहे तुम्हें प्रिंट करना हो तो उसके लिए तुम्हें दो लूप लगाने पड़ेंगे हमेशा ठीक है तो यहां पे अभी हम लोग एक टू डी एरे का प्रोग्राम करते हैं सिंपल सा और देखते हैं यहां पे कैसे इसको बनाना है सो so, पहला मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा या थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा ये थर्ड क्वेश्चन इज वैप टू इनपुट थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है टू डी एरे और स्क्वायर वाला टू डी एरे मतलब जिसमें रो कॉलम सेम हो उसको क्या बोला जाएगा मैट्रिक्स बोला जाएगा सो वैप टू इनपुट थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स एंड प्रिंटेड ये हमारा क्वेश्चन है तो so, इसको कैसे बनाएंगे ध्यान देना बेटा प्लीज स्पैम मत करो क्या बता रहे हो आप ही शक्कर अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है सर प्लीज मेक वीडियो ऑन केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट बेटा गौरव आप टॉपिक बता दो या चैप्टर बता दो जिसमें तुम्हें दिक्कत हो रही हो तो मैं बना सकता हूँ बिकॉज पूरा कोर्स कवर करवा पाना इस समय मेरे लिए बहुत मुश्किल है फुल कोर्स मैं नहीं करवा पा सकता इस समय बट हाँ जिस चैप्टर में तुम्हें दिक्कत है स्पेसिफिक वो बता दो तो उसके बारे में मैं देख सकता हूँ चलो अब इसी के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं दैट राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स एंड प्रिंटेड सिंपल सा प्रोग्राम है इसको बनाते हैं फिर उसके बाद टू डी एर के और भी क्वेश्चन सभी करेंगे तो लेट्स मेक अनदर क्लास फॉर टू डी एर ए दिस इज प्रोग्राम नंबर थ्री एंड यहाँ पे लिख देते हैं क्लास का नाम एरे थ्री टू डी एरे दे सकते हैं लिख देते हैं यहाँ पे टू डी एरे चलो अब इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा है टू डी एरे का अच्छा तुम लोग चैट में लिख के बताओ टू डी एरे का इतना प्रोग्राम तुम लोग कर पाओगे कि नहीं पार्थ साहू सर लव फ्रॉम प्रयागराज लव फ्रॉम लखनऊ एंड थैंक्स भक्ति और भजन प्लीज क्या बता रहे हो बेटा बताओ आप चलो यहां पे जल्दी से बनाते हैं इसको ये हो गया हमारा मेन फंक्शन सबसे पहले अब इसके बाद टू डी ए हमें इनपुट कराना है यूजर से वैल्यूज को देखो सिंपल सा ये क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं दैट राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे तीन बाय तीन का मैट्रिक्स बनाना है सो तीन बाय तीन में नौ वैल्यूज हो जाएंगी तीन इधर होंगी तीन इधर, इधर होंगी तो थ्री इंटू थ्री नाइन वैल्यूज हो गई यस अंशु बताओ देख रहा हूं मैं सुन लिया बेटा मैंने सर सर मत करो आप बताओ तो प्रॉब्लम क्या है क्या बताना है चलो यहाँ पे अब हम लोग एरे बनाते हैं और एरे के अंदर वैल्यूज को इनपुट कराते हैं टू डी एरे बनाते हैं यहाँ पे लिखेंगे आई एन टी डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले एरे को आई एन टी ए एरे का नाम तुम ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो तो ए हो जाएगा यहाँ पे इस तरह इज इक्वल टू न्यू आई एन टी और इस तरह ये हो गया टू डी आर डिक्लेयर साइज बनाना है साइज में हमने क्या लेना था थ्री क्रॉस थ्री का क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या था कि थ्री क्रॉस थ्री के टू डी एरे में हमें वैल्यूज को इनपुट करा के प्रिंट कराना है ठीक है चलो कराते हैं ये हमने करा दिया टू डी एरे को डिक्लेयर टू डी एरे डिक्लेरेशन यहां कॉमेंट्स में इसीलिए दे रहा हूं ताकि तुम लोग को समझ में आ सके यहां हो क्या राय यह टू डी एरे को डिक्लेयर किया हमने अभी बस डिक्लेयर कर दिया है अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं दिया है अंशु फ्राम वाराणसी चल थैंक यू एंड लव फ्राम लखनऊ चल अब यहां पे इसको बनाते हैं मतलब इसमें इन वैल्यूज को इनपुट कराते हैं सो so, इनपुट कराने के लिए हमेशा हम स्कैनर का यूज करते हैं तो स्कैनर क्लास का यूज करेंगे सो so, बना लेते हैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट सो स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और यहां पे पास कर देंगे पैरामीटर सिस्टम डॉट इन ये हो गया अब यहाँ पे यूजर को एक मैसेज देंगे यूजर को एक मैसेज देंगे एंटर कितनी वैल्यू हो जाएंगी

तो यहां पे इनपुट कराने के लिए भी दो लूप लगाने पड़ेंगे लगाते हैं यहां पे हो जाएगा फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू जीरो आई लेस देन यहाँ पे हो जाएगा थ्री डायरेक्ट वैल्यू से दे सकते हो यहां पे फिर उसके बाद आई प्लस प्लस बिकॉज तुम्हें पता है तीन रो और तीन कॉलम है फिर उसके बाद अगला लूप चलेगा इसी के अंदर चलता है अगला लूप ये हो जाएगा फॉर आई एन टी जे इज इक्वल टू जीरो जे लेस देन थ्री पहला वाला रो के लिए लूप था अगला वाला कॉलम के लिए और ये हो जाएगा जे प्लस प्लस यहां पे कमेंट में दे देता हूं तुम्हें तो समझने के लिए जो ये पहला लूप है दिस इज फॉर रोज और जो ये दूसरा लूप मैंने बनाया जे वाला दिस इज फॉर कॉलम्स ठीक है अब इसके बाद जे वाले लूप में क्या लिखोगे इसके अंदर यहां पे तुम्हें वैल्यू को इनपुट कराना है लिखोगे ए एट आई और यहां पे हो जाएगा जे इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी तो बस ये हो जाएगा हमारा इनपुट सर नेस्टेड फॉर लूप विल यूज हाँ नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करेंगे और हमेशा ये दो लूप तुम्हें लगाने ही लगाने पड़ेंगे तुम्हें टू डी एरे में कुछ भी करना हो प्रिंटिंग करनी होगी अभी तब भी दो लूप लगेंगे हमेशा दो लूप लगेंगे यहाँ पे मैं कमेंट और दे देता हूँ टू डू एनी थिंग टू डू एनी थिंग विद टू डी एरेज वी यूज वी हैव टू यूज टू लूप्स हमें दो लूप्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा टू डी एल में कोई भी काम करने के लिए मजबूरी है डायरेक्टली कर ही नहीं सकते दो लूप लगाने पड़ते हैं तो ये हो गया इनपुट अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना था वैल्यूज़ को प्रिंट करना था अब तुम्हें लाओ प्रिंट करके दिखाता हूं सर प्लीज़ पाइथन क्लास ट्वेल्थ पर भी वीडियो लाइए बेटा श्योर मैं लाऊंगा वीडियोस मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ बट थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए है ना जरूर से लाते हैं कोशिश करते हैं जल्दी से अभी फिलहाल इस पर फोकस करते हैं मैं बनवाऊंगा उसके प्रोग्राम्स जो तुम्हारा पाइथन का स्टार्टिंग था बेसिक था वो सारा तो मैंने एक वीडियो में कवर करा दिया था बट हाँ जो प्रोग्राम्स उसके कैसे बनाए जाते हैं उसके ऊपर वीडियोस जल्दी ही आना शुरू होंगे फिक्र मत करो चलो ये हो गया इनपुट इनपुट वाला काम मैंने करा दिया डिक्लेयर हो गया तुम्हारा स्कैनर का यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया इसकी हेल्प से यहाँ पे नाइन वैल्यूज को टू डी के अंदर सेव करा दिया इतना काम हो गया अब इसके बाद इस टू डी को प्रिंट करना है नाउ नेक्स्ट जो हमें काम करना है वी हैव टू प्रिंट टू 2d एरे एज मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स के फॉर्म में यानी कि इस तरह तुम्हें तो रो और कॉलम वाइज प्रिंट करना है इज कॉमन brackets नेसेसरी यहां पे ब्रैकेट नहीं भी दोगे तब भी काम कर जाएगा बिकॉज यहां पे सिंगल सिंगल स्टेटमेंट है इस जगह पे नहीं दोगे तब भी काम चल जाएगा यहां पे ब्रैकेट्स अगर हटा देते हैं तब भी काम करेगा मैंने समझने के लिए लगा दिए थे यहां पे बिना ब्रैकेट्स के भी अगर लिखेंगे तब भी काम करेगा बिकॉज सिंगल सिंगल स्टेटमेंट है अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट होते हैं तब ब्रैकेट्स कंपलसरी होते हैं बट मैं लगा देता हूं चलो ताकि दिक्कत ना हो समझ में आ जाए सबको चलो अब इसके बाद फिर से तुम्हें दो लूप लगाने पड़ेंगे प्रिंटिंग के लिए भी तो यही स्टेटमेंट मैं कॉपी कर लूंगा तो टू प्रिंट द टू डी एरे यहां पे हमें फिर से दो लूप चाहिए आई और जे का अब इस बार जो इनपुट वाला स्टेटमेंट था इसको हटा देंगे हटा दिया प्रिंट करने के लिए क्या करना है वी हैव टू प्रिंट सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट सेम लाइन पे एलिमेंट्स प्रिंट करोगे एक रो के एलिमेंट्स एक ही लाइन पे प्रिंट होंगे तो एल एन नहीं लगेगा यहाँ पे ध्यान रखना एल एन हटा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इसके अंदर लिखेंगे ए एट आई और जे ए एट आई जे का वैल्यू प्रिंट कर दो सिंपल और उसके आगे दे दो एक स्पेस स्पेस क्यों दे रहे हैं ताकि एक एलिमेंट प्रिंट हो उसके आगे कुछ स्पेस प्रिंट हो तब अगला एलिमेंट प्रिंट हो तो इस तरह कुछ ये प्रिंट हो जाएगा फिर उसके बाद में जब एक पूरा लाइन प्रिंट हो जाएगा एक लाइन के सारे वैल्यूज यहाँ प्रिंट हो जाएंगे फिर उसके बाद जे वाले लूप से बाहर आने के बाद यहाँ पे हम दे देंगे लाइन चेंज सिस्टम डॉर आउटडोर प्रिंट एलिन यहाँ पे लाइन हमारा चेंज हो गया ठीक है अब इसको अगर चलाएं इस प्रोग्राम को अगर हम रन करें तो क्या होगा पहले यहाँ पे वैल्यूज़ इनपुट होंगी हम इनपुट करेंगे और उसके बाद में इसको हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा इस तरह रन करते हैं चलो इसको तो यहाँ पे देखो मैसेज एक क्या है एंटर नाइन वैल्यूज नौ वैल्यूज हमें यहाँ पे प्रिंट एंटर करनी है तो एंटर करते हैं यहाँ पे पहले मैं दे देता हूँ वन फिर उसके बाद टू फिर थ्री फिर फोर फिर, फिर फाइव क्या दिक्कत हो गई कुछ हमसे गड़बड़ हो गई रुक जाओ लाइन नंबर एटीन पे कुछ फॉल्ट है एट आई जे ओके यहाँ पे एक्चुअली जे होना चाहिए था जे लेस देन थ्री कंडीशन गलत था अब ठीक है अब रन करेगा वो एक्चुअली इस जगह पे कंडीशन हमने गलत लगा दिया था इसलिए गलत हो गया था कुछ अब इसको रन करते हैं इंटर नाइन वैल्यूज तो सीक्वेंस में ही दूंगा मैं ये हो जाएगा वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव फिर सिक्स फिर सेवन फिर एट फिर नहीं तो नो वैल्यू मुझे दे दी थी मैं सीक्वेंस में दे दी है रन करते हैं एंड अगेन कुछ एरर आया है मुझे लग रहा है सेकेंड लूप में भी दिक्कत होगा बिकॉज हमने कॉपी कर रहा था लूप को येस yes, यहाँ पे भी आई है हटा के जे का कंडीशन देना पड़ेगा जे लेस देन थ्री अब इसको दोबारा रन करते हैं फिर से लूप में कंडीशन की गड़बड़ी थी और कुछ नहीं था अब यहाँ पे रन करते हैं फिर से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन एंटर देखो मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे प्रिंट होके आ गया ठीक है सो so, इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में इसको हम प्रिंट कर देंगे एक बच्चे का सवाल है इस कॉमन ब्रैकेट्स नेसेसरी नेसेसरी नहीं है ब्रैकेट्स हटा के भी मैं दिखा देता हूँ अगर ये ब्रैकेट्स मैं हटा दूँ तब भी ये काम करेगा बिकॉज यहाँ पे सिंगल सिंगल स्टेटमेंट है ये ब्रैकेट हटा दिया ये ब्रैकेट हटा दिया ये ब्रैकेट हटा दिया, 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 दिया और लास्ट वाला ब्रैकेट भी हटा दिया ठीक है यहाँ सारे ब्रैकेट खत्म अब इसके बाद यहाँ पे भी बिकॉज सिंगल सिंगल स्टेटमेंट है ये ब्रैकेट हटाया ये ब्रैकेट हटाया इस ब्रैकेट को हटाया लेकिन यहां पे एक काम हमें करना पड़ेगा यहां पे सबसे पहले वाले फॉर के लिए ब्रैकेट्स को लेना पड़ेगा बिकॉज इस वाले फॉर लूप में दो स्टेटमेंट्स हैं एक तो तो वाला वाला फॉर फॉर लूप लूप और ये वाला लूप। तो मतलब ये स्टेटमेंट तो यहां पे इस वाले फॉर में तो ब्रैकेट नहीं लग सकते हैं बिकॉज यहां पे सिंगल स्टेटमेंट है अंदर वाले फॉर लूप में लेकिन बाहर वाले फॉर लूप में तुम्हें ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे तो जिन बच्चों को डाउट होता है कहा ब्रैकेट लगाना है कहां नहीं लगाना है वहां एक काम किया करो सब जगह ब्रैकेट लगा दिया करो लूप के बाद

चलो एक क्वेश्चन यहां पे करते हैं देखते हैं कौन बच्चा यहाँ पे बता पाता है मतलब तो बता गया बताऊंगा तो मैं ही लेकिन तुम लोग बताना कि ये क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं तो ये था अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर फोर दैट राइट अ प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ फोर क्रॉस फोर मैट्रिक्स अ फोर क्रॉस फोर मैट्रिक्स एंड प्रिंट द प्रिंट दायग्नल एलिमेंट्स वाला होता है डायगनल वाला चौं बता देता हूं प्रिंट द सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स डायगनल एलिमेंट्स ये है अब यहां पे देखो डायगनल एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है मान लो ये हमारा एक टू डी ऐसे एरे है टू डी मैट्रिक्स है इस तरह की फोर क्रॉस फोर की है कुछ इस तरह थ्री क्रॉस थ्री की भी ले सकते थे आसानी के लिए या एक काम करते हैं थ्री क्रॉस थ्री की ले लेते हैं <coughs> छोटा रहेगा है यहाँ पे थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स लेते हैं ज्यादा बड़ी मैट्रिक्स में भी कैलकुलेशन में दिक्कत होगी थ्री क्रॉस थ्री की यहाँ बना ली मैंने छोटी कर देते हैं इसको और यहां पे हमें डायगनल वाले एलिमेंट्स का सम निकालना है देखो डायगनल यहां पे क्या होते हैं? डायगनल का मतलब ये डायगनल हो गई ये वाले एलिमेंट्स और इधर वाली डायगनल ये हो गई ये वाले एलिमेंट्स तो इन दोनों ही uh, मतलब बाउंड्रीज का मतलब एलिमेंट्स का सम हमें निकालना है एक देखो लेफ्ट बाउंड्री होती है और एक राइट बाउंड्री एलिमेंट्स होते हैं तो यहां पर ये वाली जो बाउंड्री है दिस इज लेफ्ट बाउंड्री एंड दिस इज राइट बाउंड्री तो राइट बाउंड्री एलिमेंट्स ये हो गए बाउंड्री बता रहा हूं ये डायगनल हो गए सॉरीगनल बाउंड्री अलग हो जाती है डायगनल वाले हैं दीज आर लेफ्ट डायगनल एंड राइट डायगेल एलिमेंट्स ठीक है अभी सही है तो यहां पर डायगेल एलिमेंट्स का सम हम कैसे निकालेंगे ये हम देखने वाले हैं इस वाले प्रोग्राम में ये क्वेश्चन क्लास एलेवेंथ लेवल का भी है यहां पे डायगनल एलिमेंट्स का सम क्लास एलेवन्थ में भी पूछा जा सकता है एंड यह क्वेश्चन तुम्हारा क्लास टेंथ में भी आ सकता है रुको तो मैं सिलेबस तुम लोग को दिखा देता हूँ तुम लोग का ये तुम्हारा सिलेबस है ये देख लो ये तुम लोग का सिलेबस है एंड इसमें तुम लोग का मैंशनड है दैट डायगनल एलिमेंट्स के बेस ऊपर बेस तुम्हारा टू डी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये क्लास टेंथ का सिलेबस मैं दिखा रहा हूँ इवन इलेवेंथ में भी डायगनल एलिमेंट्स का सम पूछा जा सकता है डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन एक्सेप्टिंग डेटा इन टू डबल डायमेंशनल एरे ये मैंने बता दिया है फिर उसके बाद सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रोज कॉलम्स एंड डायगनल एलिमेंट्स मैं सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगनल एलिमेंट्स कराने जा रहा हूँ ठीक है सर क्लास ट्वेल्थ में भी एरे ट्वेल्थ का भी एरे पढ़ा दीजिए बेटा बेसिक्स तो यहीं से क्लियर कर लो बाकी एडवांस लेवल वाले प्रोग्राम्स हम लोग वहां कर लेंगे ट्वेल्थ लाइव स्ट्रीम में ठीक है डायगनल एलिमेंट्स अभी हम लोग समझने जा रहे हैं तो देखते हैं कैसे हो गए यहां पे डायग्नल एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट समझ लो फिर इसका प्रोग्राम बनाते हैं देखो मान लेते हैं मान लो ये हमारा थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स है ये हमारा थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स हो गया इस तरह ये है थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स अगर हम इसके सारे के सारे इंडेक्सेस लिखें तो क्या क्या इंडेक्सेस हो जाएंगे इंडेक्स मैं यहां पे लिखता हूं देखो इसका इंडेक्स हो जाएगा यहाँ पे जीरो वन टू थ्री इस तरह होगा जीरो वन टू और इधर भी जीरो वन टू होगा इस तरह तो यहाँ पे इधर हो जाएगा जीरो कामा जीरो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा जीरो कामा वन ये हो जाएगा तुम्हारा जीरो कामा टू यही तो इंडेक्सेज होंगे फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये हो जाएगा वन कामा जीरो वन कामा वन और ये हो जाएगा तुम्हारा वन कामा टू लास्ट वाले रो में हो जाएगा टू कामा जीरो टू कामा वन और टू कामा टू तो यहाँ पे एक चीज़ देख के बताओ दैट यहाँ पे इस वाले इस वाले डायगेनल में क्या तुमको कॉमन दिख रहा है देखते हैं कौन ये आइडेंटिफाई कर सकता है ये जो लेफ्ट डायग्नल है इसमें तुम्हें इसके इंडेक्सेज में क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है बताओ इसके तुम्हें लेफ्ट वाले डायगनल में इंडेक्सेज में कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है कि नहीं जिससे हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकें इसको अंशिता ने एकदम सही बोला आई डबल इक्वल टू जे एकदम करेक्ट रुकेजो तुम्हारा भी एकदम सही आंसर है आई डबल इक्वल टू जे यहां पे हम कंपेयर करके बता सकते हैं दैट ये लेफ्ट डायगनल के एलिमेंट्स हैं तो लेफ्ट डायगनल को आइडेंटिफाई करने का मेन फॉर्मूला क्या है दैट आई डबल इक्वल टू जे ये आइडेंटिफाई कराता है लेफ्ट डायगनल के एलिमेंट्स को ठीक है फिर बात आती है राइट right डायगनल की तो राइट right वाली डायगनल ये है लेफ्ट डाइगनल तो ईजी होती है अब बताओ राइट right वाली डायगनल का क्या कंडीशन है ये है हमारी राइट right डाइगनल इसके एलिमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है यहां क्या कंडीशन लगेगा बताओ राइट right डायगनल। यहां क्या कंडीशन लगा के चेक करेंगे यहां पैटर्न सोचो पैटर्न आइडेंटिफाई करो यहां पे क्या है गेमिंग स्टार आई प्लस जे इज डबल इक्वल टू टू एन माइनस वन एकदम करेक्ट अंशिता i आई प्लस जे इज डबल इक्वल टू टू एकदम करेक्ट है बच्चे स्मार्ट हो गए हैं बच्चों को बहुत कुछ मतलब समझ में आ रहा है पहले से अच्छी बात है यहाँ पे देखो राइट एंगल का कंडीशन क्या होता है दैट जो तुम्हारा आई इंडेक्स है नंबर ऑफ रोज ये आई वाला है ये जे वाला है तो यहाँ पे आई प्लस जे इज़ डबल इक्वल टू एन माइनस वन एन मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा यहाँ पे साइज होगा वही होता है तुम्हारा एन ये तुम्हारे स्क्वायर मैट्रिक्स में ही निकल सकता है ठीक है वहीं डाइंगल्स होते हैं तो यहाँ पे आई प्लस जे इज़ इक्वल टू एन माइनस वन यहाँ आगे के इसमें टू आ जाएगा सो यहाँ पे आई प्लस जे मस्ट बी डबल इक्वल टू टू हो जाएगा यहाँ पे तो ये कंडीशन हो जाएगा राइट right डायगनल के एलिमेंट्स के लिए तो बस डायगनल के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने का कंडीशन हमारे पास में है अब बस इसी को प्रोग्राम में उतारना है तो चलो जल्दी से इसका प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं कैसे इसका प्रोग्राम बनेगा प्रोग्राम क्या है क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया था दैट राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स एंड फाइंड द सम एंड प्रिंट द सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स ये करते हैं सर मेरा बोर्ड एग्जाम 2023 में हो गया लेकिन पुरानी यादें ताज़ा हो गई चलो चिन्मय कं कांतिका कनित कर कनित कर चलो अच्छी बात है यादें ताज़ा हो गई आगे भी तुम लोग का तुम लोग के ग्रेजुएशन में ये काम आएगा अगर ग्रेजुएशन में प्रोग्रामिंग अगर तुम लोग लेते हो सब्जेक्ट तो ये अला तुम्हारा कॉन्सेप्ट वहाँ भी काम आएगा हो सकता है लैंग्वेज चेंज हो जाए उससे मैटर नहीं करता है दूसरी किसी लैंग्वेज में तुम प्रोग्राम बना रहे होगे बट ये सारी चीज़ें वहाँ भी काम आएंगी है ना और बाकी अगर प्रोग्रामर बन जाते हो तब तो अलग ही बात है चलो बनाते हैं इसको यहाँ पे प्रोग्राम में कॉपी कर लूँगा तो आसान पड़ेगा जल्दी हो जाएगा दूसरा प्रोग्राम यहाँ बना लेता हूँ ये हो जाएगा तुम्हारा एरे क्वेश्चन नंबर फोर एरे फोर टू डी ये मैंने क्लास का नाम दे दिया ठीक है तो चलो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ प्रोग्राम को एंड यहाँ पे क्लास का नेम हमारा हो जाएगा ये मिनट बस अभी समझ में आ जाए क्या मैंने किया ठीक है देखो ये हमारा प्रोग्राम हो गया पिछला प्रोग्राम मैंने कॉपी कर लिया सर पर राइट एडिशन कैसे पॉसिबल है राइट एडिशन अभी बताता हूं कैसे होगा देखो यहां पे हमें दोनों डायगनल का सम निकालना है क्वेश्चन वॉज दैट हमें लेफ्ट डायग्नल का भी सम निकालना है राइट डायगनल का भी सम निकालना है

स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया नो no वैल्यूज इंटर कराएंगे यूजर से और यहाँ पे यूजर से हमने इंटर करा लिया अपना मैट्रिक्स इनपुट हो गया ठीक है फिर उसके बाद एक काम करेंगे प्रिंट भी कर देंगे फिर उसके बाद लेफ्ट डैंगल का सम निकालते हैं प्रिंट भी कर देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टम ऑडोट प्रिंट एलिन और यहाँ लिख देते हैं मैट्रिक्स और ये तुम्हारी थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगी ठीक है और मैट्रिक्स प्रिंट होने के बाद अब इसके बाद में यहाँ पे सम निकालता हूँ इस जगह पे तो उसके लिए फिर से हमको दोनों लूप्स की जरूरत पड़ेगी देखना ध्यान से यहां पे मैं कमेंट देता हूं यहां से अब काम करने वाले हैं हम लोग सम ऑफ डायग्नल्स निकालने का तो सम ऑफ समयल्स यहां से हम लोग निकालने वाले हैं क्या करना है दो लूप लगेंगे यहां पर भी एक हो जाएगा तुम्हारा आई का लूप एक हो जाएगा तुम्हारा जे का लूप क्या बता रहे no हो आप रैंडम भैया थैंक यू बट आई हैव नो ऑप्शंस एस आई विल डाई ये कौन सा मजाक हुआ भाई सर क्या ये प्रोग्राम सर ये प्रोग्राम ऑलरेडी जानते हैं चलो अच्छी बात है जानते हो अगर बड़े क्लास में होगे तो ये जानते हो गए टेंथ में होगे तो हो सकता है पहली बार इससे पाला पड़ रहा हो अब देखो यहाँ पे डायग्नल कसम हम कैसे निकालेंगे आई का लूप हो गया जे का लूप हो गया ठीक है अब यहाँ पे तुम्हें चेक करना है कि डायग्नल एलिमेंट तुम्हें मिला है कि नहीं तो उसका कंडीशन यहां पे बस लगा दो जे वाले लूप के अंदर यहां पे लिखो इफ डायगनल एलिमेंट चेक करने का तरीका क्या था डेट आई डबल इक्वल टू जे लेफ्ट डायगनल के लिए तो यहां पे कंडीशन लिखेंगे इफ आई इज डबल इक्वल टू जे तो अगर ऐसा है तो तुम्हें क्या मिला है तुम्हें लेफ्ट डायगनल का एक एलिमेंट मिला है तो यहां पर सम कैलकुलेट करने के लिए यहां दो वेरिएबल मान लो एक मान लेते हैं सम लेफ्ट नाम से या सम एल मान लो इज इक्वल टू जीरोव करेगा लेफ्ट डायगनल के सम uh, को फिर उसके बाद यहाँ पे मान लो सम राइट आर सम आर मान लिया इसको भी इक्वल टू जीरो दे दिया ये तुम्हारा राइट डायगनल का सम सेव करेगा तो बस जैसे यहाँ कंडीशन दिया इफ आई इज डबल इक्वल टू जे यानी कि तुम्हें कौन सा एलिमेंट मिला है लेफ्ट डायगनल का एलिमेंट मिला है तो इस एलिमेंट को किस वाले सम में भेजना है लेफ्ट डाइगनल वाले सम में तो यहाँ पे लिख दो सम एल प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एट आई और जे ये तुम्हारा सारा लेफ्ट डाइगनल का सम सेव करता जाएगा मतलब क्या है तुम पूरा ट्रेवल्स कर रहे हो शुरू से लेके आखिर तक जहां जहां पर आईज डबल इक्वल टू जे है मतलब वहां वहां पे तुम्हें क्या मिल रहा है वहां वहां पे तुम्हें लेफ्ट डायगनल वाला एलिमेंट मिल रहा है तो सिर्फ तुम्हें उस कंडीशन पे बेस्ड उस एलिमेंट को ही निकाल के सम में एड कराना है तो जहां जहां आई बराबर होगा जे के वो वाला सम मतलब वो वाले एलिमेंट्स तुम लेफ्ट डायगनल वाले सम वाले वेरिएबल में सेव कराते जाओगे सेम इसी तरह यहां पर दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा अगेन इफ एक दूसरा कंडीशन देते हैं राइट right वाले डायगनल के लिए तो राइट right वाले डायगनल का कंडीशन क्या था दैट आई प्लस जे इज डबल इक्वल टू एन माइनस वन एन हमारा थ्री है हमारे केस में टू हो जाएगा यहाँ तो यहाँ पे हम कंडीशन देंगे ये हो जाएगा आई प्लस जे इज डबल इक्वल टू टू एन माइनस वन टू आया यहाँ पे तो यहाँ पर इसको सेव करेंगे राइट right वाले सम में तो ये हो जाएगा सम आर राइट सम के लिए मैंने ये वेरेबल लिया है यहाँ हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू ए एट ई और चे इस तरह लिख देंगे प्लस इज इक्वल टू को पहले चाहो तो स्पेस दे दो अच्छा लगेगा देखने में कोड बस ये हो गया तो लेफ्ट और राइट डायगनल का सम हमने अलग अलग निकाल लिया लेफ्ट डायगनल के जो जो एलिमेंट्स थे वो तुम्हारे सम एल वाले वेरिएबल में आ गए और राइट डायगनल के सारे एलिमेंट्स का सम सम आर में आ गया तो बस लास्ट में इसको ये हटा दो यहाँ से और बस लूप खत्म होने के बाद इसको लास्ट में प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे लिखो मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यहाँ हो जाएगा तुम्हारा लेफ्ट डायगनल या सम ऑफ लेफ्ट डायगनल लिख दो ज्यादा अच्छा रहेगा सम ऑफ लेफ्ट डायगनल इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा मैसेज के बाद यहां वैल्यू भी देना है तो लेफ्ट डायगनल का सम हमारा किसमें है सम एल में तो यहां लिख देंगे प्लस सम एल सेम इसी तरह दूसरा मैसेज आएगा सम ऑफ राइट डायगनल सम ऑफ राइट डायगनल ये हो जाएगा तुम्हारा सम आर बस हमारा काम हो गया देख लो ये पूरा प्रोग्राम है नेट नहीं आ रहा फिर से गड़बड़ हो गया क्या अभी तो आ रहा है बेटा <laughs> एक बार रिफ्रेश कर लो और कुछ नहीं कर सकते हैं इसका रिफ्रेश कर लो स्ट्रीम एक बार देखो ये हो जाएगा हमारा लास्ट में इसको प्रिंट कर दिया ये हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया तो यहां पे देख लो इतना प्रोग्राम हमें करना है कंप्लीट इस तरह प्रोग्राम है सबसे पहले एरे डिक्लेयर करेंगे वैल्यू को इनपुट कराएंगे फिर उसके बाद टू डी मैट्रिक्स के फॉर्म में उसको प्रिंट कर देंगे फिर उसके बाद सम निकालने का लॉजिक तुम्हारा इतना है सम ऑफ डायग्नस सम इतने में निकाल रहे हैं ठीक है ये इवन ये वेरिएबल्स भी जो हमने बनाए हैं ये सम ऑफ समाग्नस के अंदर ही लिख दो तो इतना लॉजिक हमारा सम ऑफ डायग्नस का है अब इसको हम लोग रन करते हैं देखते हैं क्या ये कर रहा है काम कि नहीं सो रन हो जाएगा उसके बाद हम इसमें नौ वैल्यूज देंगे और वैल्यू मैं वही वाली दूंगा वन टू थ्री वाली वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन एट और नाइन रन किया देख लो मैट्रिक्स प्रिंट होके आ गया है इस तरह एंड यहाँ पे सम तुम्हारा कितना आ रहा है देख लो सम ऑफ लेफ्ट डायगनल तुम्हारा कितना आया लेफ्ट डायगनल का यहाँ पे सम आ जाएगा वन प्लस फाइव प्लस नाइन ये आ जाएगा तुम्हारा फिफ्टीन और राइट right डायगनल का सम भी कितना आएगा ये हो जाएगा सेवन प्लस थ्री टेन और प्लस फाइव फिफ्टीन तो ये तो कमाल की बात हो गई दोनों डायगनल का सम सेम आ गया सो तो देख लो काम कर रहा है प्रोग्राम हमारा लेफ्ट डायगनल का भी सम तुम निकालोगे ये भी फिफ्टीन आ रहा है और राइट डायगनल का भी सम तुम निकालोगे ये भी फिफ्टीन आ रहा है ये कमाल की बात हमें पता लगी कि वन टू थ्री वाली मैट्रिक्स में लेफ्ट और राइट डायगनल का सम सेम आता है सर बार बार लाइव स्ट्रीम रिफ्रेश हो रही है और इधर से तो बेटा एक्सीलेंट कनेक्शन दिखा रहा है हो सकता है यूट्यूब की कोई दिक्कत हो यूट्यूब का सर्वर कभी कभी जब ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है तो फिर यही दिक्कत आती है नेट नहीं आ रहा है बेटा नेट आ रहा है यहाँ से तो एक्सीलेंट कनेक्शन है शो कर रहा है लेकिन पता नहीं मे भी प्रॉब्लम हो देख लो यहाँ से यहाँ पे तुम लोग को एक्सीलेंट कनेक्शन दिखा रहा होगा इस जगह पे कनेक्शन मेरा एक्सीलेंट है कोई दिक्कत नहीं है इधर से जितनी दिक्कत है वो यूट्यूब के सर्वर की तरफ से है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते है ना चलो फिलहाल अभी एंड ही करने वाले हैं लाइव स्ट्रीम को काफ़ी एंड हो गई काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है अब इससे ज़्यादा और लंबी लाइव स्ट्रीम नहीं करूँगा वरना तुम लोग देखोगे भी नहीं बाद में तो अंबानी का पैसा खत्म हो गया <laughs> बेटा जियो वाला नेट नहीं है ये है ना ये ब्रॉडबैंड लगा है दूसरा इंटरनेट है तो लाइव स्ट्रीम रिफ्रेश हो रही है देख लेता हूँ रुको मैं एक बार बिटरेट कम कर देता हूँ रुक जाओ मैं बट बीच uh, में चेंज नहीं होगा बीच hmm. में चेंज नहीं कर सकते बिटरेट uh, मैंने थोड़ा सा ज्यादा किया था हो सकता है उसकी वजह से हो चलो वैसे भी एनडी करने वाले हैं हम लोग हमलोलाम को भी आई होप क्वेश्चन तुम लोग को ऐसा समझ में आ गया होगा कि सम ऑफ राइट एंड लेफ्ट एग्नल हम लोग कैसे निकालते हैं देखो कॉन्सेप्ट मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है अभी नेक्स्ट कल के लाइव स्ट्रीम में कल मैं एक और लाइव स्ट्रीम करूंगा सो so उसमें टू डी आर के ऊपर बेस्ड और भी एडवांस हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे एंड वो प्रॉब्लम्स अब तुम्हारे क्लास एलेवंथ लेवल के होंगे ठीक है तो जो बेसिक था वो सारा मैंने क्लियर कर दिया है और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ इसमें जो यहाँ पर तुम्हारे ये वाले टॉपिक्स हैं एक और चीज़ देख लो तुम्हारे काम आएगी जो तुम्हारे ये वाले टॉपिक्स हैं सॉर्टिंग और सर्चिंग ये ऑलरेडी मेरे बने हुए हैं इसमें लीनियर सर्च एक है एक बाइनरी सर्च है ये दो टॉपिक्स हैं और फिर इसके बाद तुम्हारा सॉर्टिंग में एक सिलेक्शन सॉर्ट है और एक बबल सॉर्ट है तो ये वाले वीडियोस ऑलरेडी मैंने बना के रखे हैं एंड इसका लिंक मैं तुम लोग को दे देता हूँ ये तुम लोग जाके एक बार चेकआउट ज़रूर से कर लेना तो ये वाले टॉपिक्स भी तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे एंड ये कम्प्लीट तुम्हारा पूरा जितना एरे का टॉपिक है वो कम्पलीट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा मैं तुम लोग को भेज देता हूँ लिंक ये देख लो ठीक है एरे की प्लेलिस्ट है इसको जाके चेकआउट कर लेना तो जितने बचे हुए तुम्हारे टॉपिक्स हैं वो सारे भी क्लियर हो जाएंगे ठीक है सर तो प्लीज गिव हाफ ईयरली एग्जाम टिप्स हाफ ईयरली के लिए बेटा यही टिप्स हैं कि टाइम से पढ़ते रहो शुरू से ही फोकस रहो पढ़ाई में कुछ बच्चे क्या करते हैं शुरू में तो मस्ती कर लेते हैं लेकिन लास्ट में जब जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं वहां पे उनको प्रेशर फील होना स्टार्ट होता है दैट अब एग्जाम आने वाला है तो ये चीज मत करो मेन चीज़ यही है कि शुरू से जितना तुम फोकस्ड रहोगे पढ़ाई में शुरू से जितना एफर्ट डालोगे पढ़ाई में उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे लास्ट में लास्ट में तुम्हें कोई प्रेशर नहीं फील होगा ऐसा नहीं लगेगा तुम्हें ये नहीं आता ये छूटा जा रहा है वो छूटा जा रहा है शुरू से ही कंसिस्टेंट रहो कंसिस्टेंट स्टडी करो कंटिन्यूस स्टडी करो बीच में कभी भी ऐसा मत करो कि कभी पढ़ रहे हैं कभी नहीं पढ़ रहे हैं ये काम मत करो है ना यही बेसिक टिप है अगर शुरू से फोकसड रहोगे बराबर मेहनत करोगे डेली बेसिस पर पढ़ाई करोगे तो कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी एंड लास्ट में हमेशा अच्छे एग्जाम अच्छे मार्क्स आएंगे वहाँ पर मतलब अच्छा रिजल्ट शो होगा वहाँ पर सर क्लास इलेवन मैथ्स का क्या हुआ बेटा बना रहे हैं उसके भी टॉपिक्स आप लोग कमेंट करके बताया करो कौन सा अगला टॉपिक चाहते हो जितने ज़्यादा कमेंट्स करोगे उतने ज़्यादा मैं वहाँ पे देख पाऊंगा कि तुम लोग की क्या डिमांड है बिकॉज होता क्या है कि ना कि कभी कभी मैं कोई टॉपिक सॉल्व करके बना भी देता हूँ बट फिर तुम लोग वो देखते नहीं हो तो एटलीस्ट तुम लोग जब बताओगे कि सर ये टॉपिक हमारे क्लास में चल रहा है इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए तो मुझे भी फीडबैक मिलेगा तो मैं उस पर बना पाऊँगा और एक और चीज़ है तुम लोग को एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ रुको एक और चीज़ मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ उससे शायद थोड़ा सा तुम लोग को हेल्प मिलेगी मैंने कुछ यहाँ पे बनाया था ये देख लो मैंने एक टेलीग्राम चैनल अभी बनाया है एंड एक दूसरा चैनल ये भी है इस पर तुम लोग हमें मुझे मैसेज कर सकते हो इसके लिए मैंने ये बनाया था एक मिनट रुको अभी दिखाई देगा अब आई थिंक विजिबल होगा देख लो यहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल मैंने यहाँ पे बनाया है अभी रिसेंट में तो इस पर तुम लोग सब्सक्राइब कर लो एंड अगर तुम्हें टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना हो तो उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम अपना यूज़र नेम बना लिया है तो इस यूज़र नेम पे टेलीग्राम पे तुम मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो तो अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम फेस होती है तो उस क्वेश्चन को तुम मुझे सेंड कर सकते हो एट दिस आलोक सर सरवाइटी टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ये तुम्हारा क्या बोल सकते हो चैनल तो नहीं है ये मेरा यूज़र नेम है टेलीग्राम पे तुम मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो ये आलोक सर वाई वाले पे और बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एम्पलीफाई आर्मी को जितने भी मैं लाइव स्ट्रीम्स करूंगा उसका नोटिफिकेशन हो सकता है तुम्हें यूट्यूब पर ना मिले तो उसके नोटिफिकेशन के लिए वहाँ पर एम्पलीफाई आर्मी वाले चैनल पर मैं बता दूंगा पहले से और बाकी डायरेक्ट मैसेजेस के लिए नीचे वाला चैनल है तो ये दोनों लिंक्स चाहो तो सेव कर लो कहीं पर या लिख के रख लो यहाँ पे तुम मुझे एक्सेस कर सकते हो टेलीग्राम पे ठीक है मेथड्स मेथड्स के ऊपर कभी और लाइव स्ट्रीम करेंगे मैं करवा दूँगा इतना पक्का है <coughs> सर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशनस परम्यूटेशन यकीन मानो मैंने आज सोचा था कराने के लिए बट मैं यही सोच के पीछे हट गया कि क्लास एलेवन का मैंने आज एक वीडियो डाला था बट नहीं देखा किसी बच्चे ने आज निश्चित कल ज्यादा था कोई बात नहीं जल्दी करेंगे एक दो दिन बाद परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन का भी हम लोग कर लेंगे लाइव स्ट्रीम सर प्लीज़ एब्जॉर्पन ऑफ रूट्स की इम्पॉर्टेंट पार्ट्स एब्जॉर्पन ऑफ रूट्स ठीक है एक काम करूँगा मैं इम्पॉर्टेंट उसका पूरा मतलब चैप्टर का ही पूरा वीडियो बना दूँगा है ना थोड़ा सा टाइम दो मुझे दो चार दिन का सर सी बी एस ई क्लास इलेवेंथ कंप्यूटर सिलेबस कब करेंगे प्लीज़ जल्दी करा दो सर एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ठीक है जो टॉपिक्स में तुम लोग को दिक्कत होती है वो कमेंट्स करके मुझे बताया करो स्पेशली जैसे मान लो प्रोग्राम में अगर किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम में प्रॉब्लम है तो वो बता सकते हो है ना डेट पूल एफ एफ बेटा थैंक्स फॉर दी सुपर चैट थैंक यू फॉर द सपोर्ट सर वाई ड्यूरिंग सनसेट द सन वैनिश वाईट स्टिल एट सम हाइट अब रिजोन ड्यूरिंग सनसेट द सन वैनिशेज सन वैनिश क्यों कर जाता है नीचे तक पहुंचने से पहले इसका रीज़न यही होता है कि तुम्हें तो दिख रहा होता है कि सन सामने प्रेजेंट है वहाँ पे हॉरीजॉन पे बट क्योंकि सन की लाइट को तुम तक आने में आठ मिनट और बीस सेकेंड लगते हैं तो जब मान लो अर्थ ऐसे हॉरिजॉन अर्थ का है यहाँ पर सन है तो लास्ट जो लाइट तुम सन की देख रहे होगे ऑलरेडी सन छुप चुका होगा वो लाइट तुम तक पहुंच रही होगी बाद में तो तुम्हें लगेगा सन यहाँ पर और सन पहुंच चुका होगा यहाँ पे तो सन की लाइट तुम तक पहुंचना थोड़े टाइम पहले ही बंद हो चुकी होगी आना तो तुम्हें लगेगा सन यहीं पे है सन डूब चुका है तो जब लाइट वहां से आना बंद ही हो गई यहां के बाद ही वो छुपना स्टार्ट हो जाएगा और नीचे तक पहुंचेगा ही नहीं यहीं के बाद वो ख़त्म सारा एंड तुम्हें दिखना बंद ही हो जाएगा सन तो ये होता है सनसेट के टाइम पे क्योंकि सन की लाइट को वहां मेन सन से हम तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता है तो उसी देरी की वजह से हमें लगता है कि सन सन मतलब नीचे हॉरिजोन तक पहुंचने से पहले ही सनसेट वहां पर ख़त्म हो गया ये होता है पूरा सनसेट मतलब ऐसे होते ही नहीं तुम्हें पता ही नहीं लगेगा नीचे तक पहुंचा है थोड़ा सा गैप रह जाता है हॉरिजॉन और सन के बीच का और वहीं पे ही सन तुम्हारा गायब हो जाता है ये होता है तो वी आर सीइंग द पास्ट यस आठ मिनट और बीस सेकंड पुरानी लाइट तुम देख रहे हो इवन रात के समय जो स्टार्स को हम लोग देखते हैं वहाँ से लाइट को आने में हम तक कितने लाइट लाइटर्स लगे हैं तो वो कितने साल पुराना हम स्टार को देख रहे हैं तो हम पास्ट को ही देख रहे होते हैं एक तरह से ये हेलो भाई प्लीज़ अपलोड पी बाई क्यू प्रोग्राम सीरीज ऑफ ट्वेल्थ आई एस सी थ्योरी ठीक है बेटा आप लोग एक काम किया करो आप लोग क्वेश्चन सेंड कर दो मैं पे अपना ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ इस ईमेल एड्रेस पे मुझे क्वेश्चन सेंड कर दिया करो तो मेरे लिए भी आसान हो जाएगा उस उन क्वेश्चन को सॉल्व करना ई मेल भेजना तुम लोग सीख लो ई मेल एड्रेस मैं अपना दे रहा हूँ दिस इज माई ई मेल एड्रेस एम्प्लीफाई लर्निंग ये एल है ऐट द रेट याहू डॉट कॉम ये है मेरा ईमेल एड्रेस है इस पर जितने तुम लोग को क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता है वो क्वेश्चंस तुम लोग इस ईमेल एड्रेस पे सेंड कर सकते हो डायरेक्टली अगर इंस्टाग्राम पे हो इंस्टाग्राम पे तुम लोग भेज सकते हो कहीं पे भी तुम मैसेज को मतलब फोटो क्लिक करके सेंड कर सकते हो तो उन क्वेश्चंस को अगर एक जैसे क्वेश्चन काफ़ी सारे होंगे या काफ़ी सारे बच्चों को एक ही टॉपिक में कोई दिक्कत होती है तो उन क्वेश्चन को एक साथ में कंपाइल करके अगले लाइव स्ट्रीम में सॉल्व करवा सकता हूँ वो मेरे लिए आसान होगा बिकॉज मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा हो सकता है तुम्हें उसमें प्रॉब्लम ना हो तुम्हें ऑलरेडी आता हो तो जिनमें जिन क्वेश्चन में, जिन में तुम लोग को प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन मुझे इस मेल एड्रेस पर सेंड कर दो ठीक है तो मेरे लिए भी आसान होगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराना बिकॉज तुम्हारे प्री बोर्ड के क्वेश्चंस होंगे अभी हाफेली होने वाले हैं हो या है, किसी स्कूल में हो चुके होंगे तो वो क्वेश्चंस अगर तुम मुझे सेंड करते हो तो उन्हें मैं सॉल्व कराऊंगा उससे तुम्हारी भी हेल्प होगी साथ में दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी ठीक है तो नोट no डाउन कर लो ये ई मेल एड्रेस मैं हर बार बोलता हूँ बट बच्चे सेंड ही नहीं करते क्वेश्चन तो मैं क्या सॉल्व करूँगा है ना जीत शाउट आउट टू यू तो चलो गए काफ़ी देर हो गई है अभी अभी इसी के साथ इस लाइव स्ट्रीम को हम लोग एंड करते हैं स्क्रीन शॉट ले सकते हो इस ई मेल एड्रेस का एंड इसके बाद हम लोग एंड करते हैं लाइव स्ट्रीम को हेलो भाई प्लीज़ अपलोड पी वाई क्यू प्रोग्राम सीरीज ऑफ ट्वेल्थ आई एस सी थ्योरी प्रीवियस सीरस प्रोग्राम की चलो ठीक है देखता हूँ मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स करवाए भी हुए हैं आप जाके सर्च करना एक बार यूट्यूब पे एम्पलीफाई लर्निंग कम्प्यूटर साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर प्रोग्राम्स तो वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में प्रीवियस ईयर्स के मिल भी जाएंगे कम से कम आठ दस तो होंगे ठीक है चलो सही बच्चों गुड नाइट एंड अब हम लोग मिलेंगे अगले लाइव स्ट्रीम में एंड अगला लाइव स्ट्रीम हम लोग कब करेंगे वो मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर अपने बता दूंगा ठीक है तो हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना क्योंकि यूट्यूब का जो नोटिफिकेशन सिस्टम है वो कभी कभी काम करता है कभी कभी नहीं करता है सो so, इसी के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना एंड वहाँ पर नोटिफिकेशन तुम्हें मतलब बता दूंगा जब भी नेक्स्ट लाइव आने की बारी होगी तो so, चलो एंड करते हैं अभी सो गुड नाइट सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड मिलते हैं अगले लाइव स्ट्रीम में